Yeah, welcome to all of you. So today we will cover the Vibhutipada, chapter number 3 of the Patanjali Yoga Sutra. So yesterday one important topic I missed. Please all of you take the screenshot of it. Asana, these questions may come in the exam. According to Vyas Bhasya, how many asanas Maharshi Vyas he explained? The 13 kinds of asanas he explained. But in the main text of the Yoga Darshan, no any discussion about the asana, no asana there, only Sthira Sukham asana. But Vyas Bhasya he is explaining 13 kinds of asanas. Okay. So Vibhutipada. So we'll cover the Antaranga Sadhana, Dharana, Dhyana, Samadhi. We'll get to know about the Sayam, result of the Sayam, the Pranama of the Chitta, Nirodha, Samadhi, Ikagra, Dharma Parinam, Laksha Parinam, Avastha Parinam, nature of the Dharma, what is the Dharma and who is the Dharmi, about that we'll discuss. These all are the vibhutis, past and future, bhut bhavishya ka gyan, old speeches, sabhi bhasao ka gyan, pichle janam ka gyan, other chit, dusre ke mind ko janna, personality ko janna, invisibility, gayab hone ki sakti, tab hum marne wale hain uska gyan, मित्रता जो 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 भावनाएं हैं मैत्री करुणा मुदिता उनमें शक्ति हो जाना शक्तिशाली बन जाना कोई भी स्ट्रेंथ पा लेना जो हम चाहे हिडन नॉलेज जो भी छुपी हुई चीजें हैं उसको भी हम जान जानने वो वाली शक्ति पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है भुवन ज्ञानम तारों तारों के बारे में जानकारी तारे किस तरीके से गति करेंगे कैसे ग्रह नक्षत्र चलते हैं उनकी जानकारी पूरी बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में जानना कैसे हम जानेंगे कैसे हम भूख और प्यास पे कंट्रोल करेंगे वो वाली पावर पावर ऑफ स्टेडीनेस स्थिरता कैसे आएगी हमारे अंदर माइंड कैसे स्टेबल होगा स्पिरिचुअल विजन दिव्य दृष्टि कैसे आएगी The knowledge, special kind of knowledge of the chitta, the purusa. इसके बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे. Six kinds of special siddhi, pratib, sravan, vedan, adarsh, aswad, varta, we'll discuss in today class. Okay. कैसे हम दूसरे शरीर में प्रवेश करें उसकी सिद्धि कैसे योगी पानी पर कीचड़ पर या कांटों पर चल सकता है फिर भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि कैसे योगी का ओरा बढ़ेगा उस तेज बढ़ेगा उसके चेहरे दैदीप्यमान समान जयजवलनम कैसे दिव्य सोत्रम आएंगे दिव्य सुनने की शक्ति आ जाएगी दूर बैठे करोड़ों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उसको सुन पाएंगे कैसे आकाश में हम चल सकते हैं आकाश गति कैसे हम माइंड को कंट्रोल करें भूत सिद्धि कैसे हम फाइव एलिमेंट्स को कंट्रोल करें भूत जय सिद्धि स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अनव्य अवस्था दीज आर द फाइव स्टेट्स ऑफ द पंचभूताज एट स्पेशल सिद्धिज अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य वसित इसित इसके बारे में पढ़ेंगे काय संपद जो बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन स्वरूप लावण्य बल वज्र कैसे हम सेंसेस पे कंट्रोल करेंगे इसकी सेंसेस की फाइव स्टेट्स हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अनव्य अर्थ वैतव इसको पढ़ेंगे
प्रकृति पे कैसे हम जब इस पे सेंसेस पे कंट्रोल कर लेंगे तो हमें तीन प्रकार की स्पेशल सिद्धि होगी, मनोज्युतम विकर्ण भाव है प्रधान ज्येष्ठ, कैसे हम मन की गति से चल पाएंगे नारायण जी की तरह, विकर्ण भाव है कैसे हम दूर की नॉलेज एक जगह बैठे ही पा सकते हैं, प्रधान ज्येष्ठ कैसे पूरी प्रकृति को हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, ओमनीपोटेंस सब चीजों की जानकारी, कॉज़ुअल ऑफ द डाउनफॉल यानी कि कैसे जब आप लोग आगे बढ़ते हो तो कैसे डिस्ट्रेक्शंस आएंगे, देवता लोग आपको बुलाएंगे, द्वार पर बुलाएंगे, कैसे विवेक ज्ञान प्राप्त करें उसका मेथड, क्या क्या लक्षण हैं विवेक ज्ञान के, और कैवल्य का उपाय यहाँ पे बताया गया है। तो ये कंप्लीट विभूति पाद का परिचय है। तो विभूति पाद वन बाय वन हम श्लोकों के साथ सूत्रों के साथ फास्ट करेंगे। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरी हिंदी की वीडियो भी स्पेशली यूट्यूब पे अलग से पड़ी हुई है, उनको आप डिटेल में पढ़िए, और हिंदी मीडियम की भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम फास्ट पढ़ेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास ऑलरेडी वी हैव कवर्ड टिल द वी हैव स्टार्टेड द अष्टांग योगा, विल ऑलरेडी डिस्कस द यमा नियमा आसना प्राणायाम प्रत्याहार। सो द फाइव एलिमेंट्स मेंशन इन द साधन पाद एंड रिमेनिंग थ्री एलिमेंट्स मेंशन इन द विभूति पाद, दैट इज द धारणा ध्यान एंड द समाधि। सो व्हाट इज धारणा, धारणा मीनिंग दैट परसेप्शन, ओके, देश बंध चित्त से धारणा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देश, देश मीनिंग द लोकेशन, बंध मीनिंग द होल्डिंग, चित्त से धारणा, यू हैव टू फोकस और यू हैव टू होल्ड, यू हैव टू बाउंड योर चित्ता एनी लोकेशन, दैट लोकेशन मे बी इनसाइड और द आउटसाइड इन द बॉडी, इनसाइड द नेवल चक्र, ऑन द हार्ट चक्र, एनी बॉडी पार्ट्स, एंड आउटसाइड द स्काई, द सन, मून, इट्स एक्स्ट्रा, माउंटेन, ट्री, इट्स एक्स्ट्रा, एनी वे यू यू विल फोकस देयर, दैट इज द धारणा। इन द सेम फोकस तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, द सेम फोकस फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी डिस्ट्रेक्शंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक ही वृत्ति का लगातार चलना, उसको हम ध्यान कहते हैं, दैट इज द मेडिटेशन। एंड नेक्स्ट सूत्र इट इज सेम तदेव, दैट सेम प्रैक्टिस ऑफ द ध्यान, सेम प्रैक्टिस ऑफ द मेडिटेशन, फॉलो दैट एंड इन दैट प्रैक्टिस अर्थ मात्र निर्भासम। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट शब्द अर्थ एंड द ज्ञान निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि, वेन वी फॉरगेट द शब्द एंड द ज्ञान, ओनली अर्थ इज देयर, अपने आप का अस्तित्व हम भूल जाते, स्वरूप सुनने में वह आप कौन हो, क्या हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपना खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, सिर्फ अर्थ, जिस जो भी चीज हम देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्रकाश के दर्शन कर रहे हैं, ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ ही हमें रह जाए हमारे उस ध्यान के अंदर, सिर्फ उसी की ही प्रतीति हो, दैट वी कॉल्ड इट इज द समाधि। एंड इन द सूत्र नंबर फोर त्रम एकत्र संयम, त्रम मीनिंग दैट थ्री, प्रीवियसली वी डिस्कस थ्री विज थ्री, धारणा ध्यान एंड द समाधि, व्हेन वी कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑफ द दीज थ्री लिम्स ऑफ द योगा, धारणा ध्यान समाधि टुगेदर, दैट प्रैक्टिस वी कॉल्ड इट इज द संयम, दिस वी कॉल्ड द संयम, बिकॉज संयम गेट टू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द नेक्स्ट विभूतिज, ऑल द विभूतिज फोकस्ड ऑन द संयम। सो व्हेन यू सी द संयम वर्ड, आगे जब भी संयम शब्द दिखे आपको तो समझ जाओ धारणा ध्यान समाधि है, संयम जहां पर भी लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज द नंबर फाइव,
तज्जयात प्रज्ञालोकः इट मीनिंग व्हेन वी गेट द सिद्धि इन द संयम व्हेन वी परफेक्टेड द संयम व्हेन वी परफेक्टेड धारणा ध्यान समाधि देन व्हाट हैपन प्रज्ञालोकः एज इन चैप्टर नंबर 1 वी डिस्कस ना अध्यात्म प्रसाद निर्वितर का अध्यात्म प्रसाद द स्पिरिचुअल डिवाइन विजुअलाइजेशन दैट वी कैन फील बुद्धि का विशेष प्रकार का प्रभाव दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड विद द रितंब्र प्रज्ञा ऑल्सो स्पेशल इंटेलिजेंट ओके इंटेलेक्ट पावर. नेक्स्ट सूत्र नंबर 6 तस्य भूमिसु विनियोगः इट मीनिंग दैट वट एवर प्रैक्टिस वी आर डूइंग यू हैव टू बी फॉलो इन द सीक्वेंस यू कांट जंप. जैसे आगे जो भी सिद्धियां बताई गई है कि आपको पहले परिणामों पे फोकस करना है आपको भूत भविष्य का ज्ञान होगा संस्कार पे फोकस करो भूत ज्ञानम नाभि ओके तो जो भी है सारी चीजें आपको जो सीक्वेंस यहाँ बताई गई है सीक्वेंस को फॉलो करना है. सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रैक्टिस ज्यादा यूजफुल नहीं है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि. नाउ हियर ही इज टेलिंग सूत्र नंबर 7 त्रम अंतरंगम पूर्वेभ्यः इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस चैप्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द यमा टू प्रत्याहार दीज थ्री धारणा ध्यान समाधि दे आर द अंतरंग साधन. पहले के मुकाबले इनको हम अंतरंग साधन कहेंगे. अंतरंग मीनिंग द इंटरनल प्रैक्टिस द सबटल प्रैक्टिस बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द निर्बीज समाधि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द असंप्रज्ञात समाधि धारणा ध्यान समाधि ऑल्सो अंडर द बहिरंग साधन बिकॉज निर्बीज समाधि सो सबटल देन द समाधि इट इज द हायर टू हायर स्टेज ऑफ द समाधि ओके दैट्स वाई द धारणा ध्यान समाधि दे आर अंडर इन द बहिरंग साधन इन द केस ऑफ निर्बीज से एग्जाम में अगर निर्बीज के अकॉर्डिंग पूछे तो धारणा ध्यान बहिरंग आपको सिलेक्ट करना है और अगर नॉर्मल अष्टांग योग में बोले बहिरंग साधन क्या है अंतरंग साधन तो वहां पे अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि आ जाएंगे. डोंट बी कंफ्यूज. या नेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस सूत्र यू हैव टू अंडरस्टैंड यस सो कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड राइट नाउ. I told you that so total 8 limbs we have in the Ashtanga Yoga Yama Niyama Asana Pranayama Pratyaha Dharana Dhyana Samadhi okay so if examiner is asking questions that in the 8 limbs select the antaranga sadhan what are the antaranga sadhan then your answer will be Dharana Dhyana Samadhi they are the antaranga and who are the bahiranga Yama Niyama Asana Pranayama प्रत्याहार दे आर द बहिरंग. बट इफ एग्जामिनर इज आस्किंग क्वेश्चंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द निर्बीज समाधि हु इज द अंतरंग साधन सो आउट ऑफ 8 नो वन इज द अंतरंग ऑल आर द बहिरंग. इज इट फाइन टू यू? यस सर. थैंक यू सर. सूत्र नंबर 9 बिफोर स्टार्टिंग दिस सूत्र यू हैव टू अगेन आई हैव टू बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द भूमि You cannot learn properly of these gunas, these parinamas. So, first is the chipta bhumi, second is the mood bhumi, third is the vikshipta bhumi, fourth one is the ekagra bhumi, fifth one is the niruddha avastha. So, chipta avastha mein kya hota hai? Rajas guna pradhan rehta hai, dominancy of the rajas guna. मूढ़ावस्था में तमस गुणा प्रधान रहता है. विक्षिप्तावस्था में कुछ लेवल पे सतोगुण लेकिन कभी कभी रजस गुण वहां पे डिस्ट्रक्ट करता है दैट इज द विक्षिप्ता स्टेट. और आप और मैं ज्यादातर हम लोग विक्षिप्त स्टेट में ही रहते हैं. एकाग्रता सात्विक गुण ओनली सात्विक गुणा इज देयर
Niruddha, no gunas there. And Niruddha, it is the stage of the Asampragyata Samadhi. And first four, these stages are the Sampragyata Samadhi. Okay. And the sanskaras or any kind of parinamas, any kind of activities occurring in the first four bhumis, that we consider in the vyutthan. Okay. And the sanskaras which are in the niruddha, jo niruddha avastha mein rahenge, unko niruddha sanskar bolenge. Hope it is clear to you. Now let us start the vyutthana nirodha sanskara sutra number 9. So you're telling vyutthana nirodha sanskara. I told you vyutthana sanskara belongs to which bhumi? Come on, which bhumi? Kshipta mooda vikshipta ekagrata. Excellent. So vyutthana, they are the vyutthana. And nirodha sanskar meaning, nirodha meaning. So here we are discussing about the nirodha avastha, nirodha state. So here abhi bhautu pradurbhavo. So it meaning vyutthana state sanskara, they are getting down. Sanskar kam ho rahe hain, vyutthana aur nirodha sanskar bad rahe hain. Iska matlab kya hua? इसका मतलब क्या है? साधक कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में जा रहा है? कम ऑन, वेरी गुड. संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात में जा रहा है, एकाग्र से निरुद्ध स्टेट में जा रहा है. इसका मतलब ये हो गया. तो ये इसको बोलेंगे हम निरोध परिणाम. ओके, नेक्स्ट इज द, अब इसमें क्या होगा? ये चित्त के परिणाम है, ध्यान रखना, डोंट बी कंफ्यूज. जो ये है हमारे निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम, ये सब के सब तीनों के तीनों चित्त के परिणाम हैं. और आगे आएंगे धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, वो हैं भूत और इंद्रियों के परिणाम. ओके, तो ये चित्त के बारे में चीजें कही गई है कि हमारा मेंटल लेवल उस लेवल का होगा, उस टाइप का होगा. यहाँ पे मतलब यहाँ पे सतोगुण धीरे धीरे कम हो रहा है, तभी हम निरुद्ध अवस्था में जा रहे हैं. सूत्र नंबर 10, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात. तो निरुद्ध अवस्था में क्या होने वाला है? तो निरुद्ध संस्कार पूरे हो जाएंगे, प्रशांत वाहिता, गुण भी समाप्त हो गए वहां पर, तो सतोगुण भी समाप्त हो गया कंप्लीटली. अब तो संस्कार बल से ही चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति रहेगी, कामनेस, कंप्लीटली कामनेस, no indolment any gunas in the niruddha state. निरुद्ध अवस्था में कोई गुण इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ संस्कार रह गए हैं, बाकी सब चीजें समाप्त हो गई है. नाउ नेक्स्ट सूत्र नंबर 11, सर्वार्थैकाग्रदयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणाम है. इसमें हम विक्षिप्त से एकाग्र की बात कर रहे हैं, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था, विक्षिप्त से एकाग्र, दिस स्टेट. विक्षिप्त में क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है विक्षिप्त में? समटाइम्स रजस, समटाइम्स सत्तो, सॉरी, यस, मोस्टली सात्विक एंड द राजसिक इफेक्ट. एंड नाउ यू आर एंड मी हु आर लिटिल एसोसिएट विद द योगा एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, so that's why we are in the vikshipta state most of the time. So here kya ho raha hai, jo yahan pe jo activity ho rahi hai, vikshipta state dheere dheere kam ho rahi hai aur ekagrata dheere dheere badh rahi hai, isko bolenge hum samadhi parinam. Kya bolenge isko? Samadhi parinam. Samadhi parinam, sarvarthatai ekagrata chayodayo chittasya samadhi parinam hai. सभी प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना, क्योंकि चिंतन कहाँ पे होगा? विक्षिप्त अवस्था में होगा, वो कम हो रहा है और हम फोकस्ड होते जा रहे हैं, एकाग्र अवस्था आ रही है धीरे धीरे, इस परिणाम से इसको हम समाधि परिणाम कहेंगे.
ओके नेक्स्ट इज अबाउट द एकाग्रता परिणाम एकाग्र परिणाम तथा पुनः आफ्टर इट मीनिंग आफ्टर द समाधि परिणाम शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम नाउ लेट मी नो व्हाट हैपेंड इन द एकाग्र स्टेट कम ऑन व्हाट हैपेंड ओनली सत्वा सर ओनली सात्विक तत्व इज अकरिंग ओके सो अपर वैराग वेरी गुड वेरी गुड सो फर्स्ट विक्षिप्त तु एकाग्र इट इज विच परिणाम समाधि परिणाम समाधि परिणाम नाउ समाधि परिणाम के बाद में अब सात्विक गुण डोमिनेंट हो गया ओनली फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन फुल्ली डोमिनेंसी ऑफ द सात्विक गुण इट इज द एकाग्र परिणाम आफ्टर द एकाग्र परिणाम देन अगेन यहाँ पर गुण भी खत्म हो जाएंगे ये हो जाएगा निरुद्ध परिणाम होप इट इज क्लियर टू यू हाउ द समाधि परिणाम एकाग्र परिणाम निरुद्ध परिणाम बिलोंग्स टू अवर चित्त भूमिज बिलोंग्स टू द संस्कार ओके सो नाउ हियर शांतोदितौ हियर इट मीनिंग कंप्लीटली फुल स्टेट ऑफ द सात्विक गुणा एकाग्र स्टेट इट इज चित्त से एकाग्रता परिणाम है ये चित्त की एकाग्र परिणाम इसको हम बोलेंगे नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द धर्म लक्षण अवस्था परिणाम डोंट बी कंफ्यूज धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था दे आर परिणाम ऑफ द भूताज एंड द इंद्रियाज एंड द प्रीवियस परिणाम एकाग्र समाधि निरुद्ध दे आर द परिणाम ऑफ द चित्त ओके यस प्लीज So here the sequence is like if they ask about the sequence, then what we need to write like because after samadhi paranama we are getting the ekagra paranama then nirudha yes. paranama right? Sequence should be first samadhi paranama then ekagra last nirudha paranama. It is the sequence of the liberation. Okay. Okay. But here, like, yeah, according to sutra, is like we are discussing first nirudha then samadhi then. Ekagra, right? But actually, first is samadhi, then ekagra, and last is the niruddha. It is the right sequence. So, if they ask question, what we need to write? Depends. Samadhi, ekagra, niruddha. Who is asking questions? आपको बोला ना मैंने questions को बहुत ध्यान से देखना है कि पूछ कैसे रहा है, angle क्या है पूछने का, ठीक है? अब वो किस context से पूछेगा? अब वो आपको देखने का है. अगर सूत्रों के आधार पे पूछा गया तब तो निरुद्ध पहले है और अगर एक्चुअल प्रोसेस के हिसाब से पूछा तो समाधि परिणाम पहले है ओके सो सर इफ इट इज आस्किंग दैट अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र व्हिच व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस परिणामस देन सीक्वेंस ऑफ दिस देन फर्स्ट सिलेक्ट द समाधि एकाग्र एंड निरुद्ध इट इज द राइट सीक्वेंस Okay, both options will not be there. You will get samadhi ekagra nirudh or you will get the nirudha samadhi ekagra. One of you will get only. If by chance this questions come and both options there, then the questions will be discarded. Questions ko cancel ho jayega wo. Theek hai? Kabhi kabhi galtiyan ho jati hai UGC se bhi. Now? Sir, I just want to ask you that I got the previous year question, which is Indica Decima 2018. Which of the right sequence of Chitta Parinamas as per Yoga Sutra? अब योग सूत्र अगर यहाँ पे सूत्रों के हिसाब से बोला तो मैंने बोला कि पहले निरोध आएगा फिर समाधि आएगा फिर एकाग्रता आएगा ठीक है ओके सर और एक्चुअल प्रोसेस के हिसाब से पूछा गया क्वेश्चन तो उसमें समाधि एकाग्र निरोध आएगा तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना आपको जल्दबाजी नहीं करनी है आंसर करने में ओके थैंक यू नेक्स्ट 13 तो पहले वाले तीन परिणाम किसके परिणाम थे कम ऑन चित्त के चित. और ये परिणाम है हमारी भूत और इंद्रियों के डोंट बी कंफ्यूज एलिमेंट्स तन्मात्राज एंड द सेंसेस ओके सो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम
ये आपको कंफ्यूज करेंगे, मैं इसको आपको इजी वर्ड में समझा देता हूँ। धर्म परिणाम क्या होता है? धर्म को आप समझिए एक स्टेट से, कोई भी एक अवस्था, ठीक है। जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है, तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये पानी है और ये मिट्टी है, ये साइड में आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, है ना। और अब सेकंड में हमने क्या किया, उस मिट्टी को घड़ा बना दिया। अब थर्ड स्टेट में इसको सूखने के लिए रख दिया। अब फोर्थ स्टेट में ये घड़ा पूरा बन गया, और आफ्टर फ्यू इयर्स यूजिंग द दिस पॉट देन इट विल ब्रेक डाउन, इसका चूरा बन जाएगा, दोबारा से फिर मिट्टी बन जाएगी, है ना। तो अलग अलग जो स्टेट है, ये प्रोसेसिंग की स्टेट हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये तो प्रोसेस चल रहा है अभी, तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे मिट्टी और घड़ा, ये है धर्म। मिट्टी से घड़ा बन गया, तो मिट्टी धर्म से अब घड़ा धर्म बन गया, मट टू, ओके, फ्रॉम सोइल टू द पॉट, इसको बोलेंगे हम धर्म परिणाम। एक धर्म का लय होकर मिट्टी खत्म हो गई, अब दूसरा धर्म घड़ा बन गया, दैट वी कॉल इट इज द धर्म परिणाम। यहां पर भी यही बताया गया, मिट्टी के पिंड रूप का क्षय हो गया और घट रूप का उदय हो गया। तो पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो जाना, पूरा का पूरा फॉर्मेशन बदल जाना, उसको हम बोलेंगे धर्म परिणाम। अनदर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, और बच्चा, और ये लास्ट में आप देख रहे हो, बीच में एक है यंग और लास्ट में बूढ़ी, तो मतलब सेम बच्चा जवान भी हो गया और वही बच्चा बाद में बूढ़ा भी हो गया। तो यानी कि पूरी की पूरी चेंज चेंज हो जाना, अब यू अवस्था आ गई बाल्य अवस्था से, तो पूरी की पूरी बदल गया, धर्म ही बदल गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब बड़ा बूढ़ा हो गया, पूरी की पूरी बदल गया चीजें, दैट इज द धर्म। और लक्षण में क्या डिफरेंस है? लक्षण में आप कंसिडर करेंगे टाइम को, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड द फ्यूचर स्टेट, ओके। सेम इफ आई आस्क दैट ये जो घड़ा है, ठीक है, ये मिट्टी से घड़ा बन गया, ये है धर्म परिणाम। अब मिट्टी इसका जो पास्ट है, पास्ट लक्षण क्या है, क्या था इसका पास्ट लक्षण घड़े का, बताइए। मिट्टी। इसका भविष्य क्या होगा, इसका भविष्य क्या होने वाला है? वापस से टूट जाएगा, ये टूट के फिर मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो भूत भविष्य वर्तमान की जो बातें हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दैट वी कंसिडर इन द लक्षण। और लक्षण में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैं एक और नया एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, ये एक बच्चा है, ठीक है, ये है 12th क्लास में। अब इसके पास क्या क्या स्कोप है आगे बनने के लिए, बताइए क्या क्या बन सकता है बच्चा 12th क्लास के बाद? डॉक्टर, इंजीनियर, वेरी गुड, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, नर्सिंग, नर्स बन सकता है, ठीक है, ठीक है, आयुर्वेदा डॉक्टर बन सकता है, बहुत सारी फील्ड उसके लिए ओपन हो जाएगी। तो यानी कि जो जो ये चीजें, ये सारे के सारे लक्षण हैं, लक्षण मतलब कि कुछ भी हो सकता है भविष्य में इस बच्चे के साथ, समझ रहे हो, ये हो गए हैं, ये भी प्रेजेंट में 12th क्लास में है और भविष्य में कुछ भी बना जा सकता है। अब जो भी बन गया वो उसका धर्म हो जाएगा, वो धर्म अब बोलेंगे डॉक्टर बन गया, अब बोलेंगे ये 12th क्लास का बच्चा, ये जो इसका 12th क्लास का स्टैंडर्ड का जो धर्म था, अब वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर इज द धर्म। जहां जो जो पॉसिबिलिटी है, वो सारी पॉसिबिलिटी विल कंसिडर अंडर द लक्षण परिणाम। आर यू गेटिंग? यस भैया।
तो ये है लक्षण परिणाम, और क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे कंफ्यूज इन द परिणाम। और अवस्था परिणाम क्या है, जैसे यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये अभी थोड़ी बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी और जवान होगी, जवान मैरिड हो गई, अब बूढ़ी होगी, तो ये इस बच्चे का भविष्य है बड़ी हो जाना और बाद में बूढ़ी हो जाना, इलेक्शन परिणाम हो गया भविष्य के लिए। अब मुझे आंसर करो, क्या ये एक दिन में बूढ़ी होगी क्या? नो सर, नहीं, ये हर सेकंड्स, अगर आप बायोलॉजी को डालें, हर सेकंड्स में हजारों सेल्स बनती हैं और हजारों सेल्स टूट जाती हैं, डेड हो जाती हैं। अवस्था परिणाम बिलोंग्स टू एवरी ईच एंड सेकंड्स, एवरी सेकंड्स, सेम हियर। क्या ये बच्चा एक दिन में डॉक्टर बन गया का? नहीं, इसने एमबीबीएस किया, एमडी किया, नीट किया, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा, उसके बाद जाकर के डॉक्टर बना। तो ये जो एवरी जो स्टेप के जो प्रोसेस थे, दैट वी कॉल्ड इट इन द अवस्था परिणाम। समझ रहे हो क्या सर? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं ना सर? यस मैडम, यस या प्लीज जल्दी, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है, कोई भी एक बच्चा जल्दी से समझाओ मुझे धर्म लक्षण अवस्था में क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ। कैन आई ट्राई सर? यस मैम। सो धर्म परिणाम में फुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल दैट इज धर्म परिणाम, बट इन लक्षण परिणाम में मींस वी सॉ व्हाट वाज द पास्ट and what is the present and what is the future, that lakshana parinam. I already written one example, means seed. We can take the example of seed, then we will consider means seed, what will be happen in future. It will be sprout, then it will be little plant, then it will be big plant, but future of seed is plant. We can consider it as lakshana parinam, but in avastha parinam we will see, then you will consider means seed, how it will grow to the sprout, then how it will grow to the little plant, then how it will go to the big plant. So this is called means period of time when changes is occurring, that is called avastha parinam. Very right? Good, excellent ma'am, excellent. Which kinds of chemical changes is occurring with him, so that is the avastha. Now next is the number 14, शांतो उदिता अवपदेश या धर्मानुपाति धर्मी। अब धर्म को समझना बहुत जरूरी, धर्मी और धर्म, यहाँ पे आप समझिए, धर्म को ऑलरेडी मैंने बता दिया, धर्म तो एक सिचुएशन है, वो हो गया, जैसे मिट्टी से घड़ा हो गया, घड़ा इज द धर्म, अब घड़ा आगे टूट गया फिर मिट्टी बन गई, छोटी बच्ची से जवान होगी और जवान उसके जवानी उसकी धर्म हो गई, अब जवानी से बूढ़ी होगी, बूढ़ी उसकी धर्म होगी। धर्मी क्या है, मतलब कि एक चीज क्या है जो बच्चे में भी थी, जवान में भी है, बूढ़े में भी, क्या है वो चीज बताइए, जो हमेशा थी बट बॉडी बदलती गई है, लेकिन एक चीज मेंटेन थी सब जगह पे, क्या था वो? उसका माइंड, उसका चित्त और सोल भी, वो थी, हर स्टेट में थी, सोल भी थी और चित्त। यहाँ पे हम सोल को नहीं गिनेंगे, यहाँ सोल तो हमेशा ही रहती है, दृष्टा है वो तो, ठीक है, चित्त यहाँ पर भी था, बच्चे में भी था और बूढ़ी में भी था, जवान में भी था। तो इसका मतलब जो हर जगह पर है वो है धर्मी, क्या है वो? धर्मी, धर्मी। तो ये है धर्मी, मतलब कि चित्त जो है धर्मी हमेशा रहेगा, सीधे सी डेफिनेशन है धर्मी की, कि वो भूत में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, धर्मी का कभी नाश नहीं होता, समझ गए? धर्म बदलते रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे का अलग धर्म है, युवा का अलग धर्म है, बुजुर्ग का अलग धर्म है, धर्म बदलते रहते हैं समय परिस्थिति के हिसाब से, बट धर्मी सेम रहेगा हमेशा हमेशा, ओके? तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है, शांत मतलब कि पास्ट है ये, उदित मतलब कि वर्तमान है, और अव्यपदेश से भविष्य है, ठीक है। नेक्स्ट
नंबर 15 कर्मान्यत्वे परिणामन्यत्वे हेतु, कर्म को अगर हम बदल देंगे तो परिणाम कुछ और होगा। चाय बना रहे हैं, चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, पानी डालो उबालो, चाय पत्ती डालो उबालो, अदरक डाल दो, इलायची डालो उबालो, हैं अच्छे से उबालो भाई, उसके बाद दूध डालो और फिर उबालो और फिर पियो, उससे एक अलग क्वालिटी की चाय बनेगी। अगर इसी में हम एक सीक्वेंस बदल दें, दूध पहले डाल दें, ठीक है, फिर हम उसको उबाल रहे हैं, ठीक है, बाद में हम अदरक डाल रहे हैं, बाद में चाय पत्ती डाल रहे हैं, उसका एक अलग परिणाम होगा, वो अलग टेस्ट की चाय बनेगी। या फिर हम क्रम यानी कि हीट हीट ही नहीं दे रहे हैं, हीट का क्रम लास्ट में हम आग जला रहे हैं, डाल दिया दूध पानी सब चीजें डाल दी लेकिन आग जलाना ही भूल गए, उसका एक अलग चाय बनेगी, अलग ही चीज बनेगी स्पेशली। आप समझ रहे हो? यस सर। इसी एग्जांपल में जैसे यहाँ पर मैंने दिया था, बच्चा है डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, तो इसका एक लेवल है जाने का। यहाँ पे बच्चा पड़ गया भैया प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो क्या वो डॉक्टर बन पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा, पढ़ाई में वीक हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं एक अच्छा आदमी बनने के लिए, वो जो सीक्वेंस है, वो क्रम है ना, वो बहुत जरूरी है। वो किस क्रम से वो बच्चा जा रहा है आगे, वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में वो किस टाइप का होगा। अगर क्रम थोड़ा सा भी बदला, जैसे मैंने चाय का भी बोला, ऐसे ही ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होने वाला है क्रम का। आप लोग भी अभी क्रम जैसे यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा भी क्रम आपका चेंज हुआ, रिजल्ट कुछ और ही होने वाला है आपके साथ। बेस्ड ऑन द कर्म सीक्वेंस, कर्म में ये सीक्वेंस, यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया धर्मी, तो धर्मी प्रकृति का मूल स्वरूप प्रकृति है, या नहीं, नहीं, धर्मी है? हमेशा रहेगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी समझ नहीं। पुरुष को हम बोल नहीं सकते धर्मी? हाँ, पुरुष तो हमेशा ही रहेगा, उसको क्या गिनेंगे? देखो ये कुछ एग्जांपल बनाए हैं, देखो अभी सात्विक राजसिक, यहाँ पे चित्त हमेशा था, अब जैसे बर्तन बन गया, टूट गया, घर में आ गया, मिट्टी धर्मी हो गया वहां पे, अब पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे सीड ठीक रहेगा, मुझे लगता है ट्री से ज्यादा सीड अच्छा रहेगा। सीड जो है, सीड के गुण वो फल में भी है, ठीक है, लकड़ी में भी है और पत्तों में भी है, तो ये हो गया धर्मी। समझ रहे हो आप धर्मी क्या है? हर जगह होता धर्मी। So it is something that belongs to prakriti only, no sir? Yes, madam, yes. Prakriti ka... Haan, material things se hum samajhte hain na samaj ko, to prakriti mein aayega material world, okay. Now next is, ko kaise hume bhut bhavishya ka gyan hoga? Parinam tray sayamat atita nagat gyan. Parinam tray, ye jo humne parinam padhe na, dharma, lakshan, avastha, agar hume pata hoga, उसका पूर्व धर्म क्या था, आज क्या है, आगे क्या होने वाला है, उसका लक्षण क्या था और उसके आज के लक्षण क्या है, आगे के क्या लक्षण होंगे, और हमें हर सेकंड का पता चल रहा है कि ये बच्चा किस डायरेक्शन में, किस सीक्वेंस में जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि भविष्य में ये बच्चा क्या बनेगा। समझ रहे हो? नॉर्मल लाइफ में ये सारी सीधी अप्लाई होती है, ध्यान से देखोगे तो आप, हम देख के बता सकते हैं कि आप अभी हम पूरी क्लास में बता सकता हूँ अभी कि कौन बच्चा जीआरएफ के लिए सही डायरेक्शन में जा रहा है, कौन बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जिस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हो, जिस लेवल के आप क्वेश्चन पूछ ले हो, तो मैं एक भविष्यवाणी कर सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पे, तो यही है बहुत भविष्य। यहाँ पे योगियों की बात हो रही है, योगी एक बड़े लेवल की, वो बहुत ही सटीक होती है उसकी भविष्यवाणी या उसका जो पास के बारे में बताया, ठीक है। तो भूत भविष्य का ज्ञान यहाँ पे, अगर ये परिणामों को अच्छे से जानकारी होगी, किसी को भी ज्ञानी होगी वही बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे होगा, है ना। जैसे एक फनी एग्जांपल बताता हूँ, एक लड़का गया लड़की को प्रपोज करने, ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो, आप ऑडियंस हो और सामने एक लड़का लड़की खड़े हैं, ओके,
अब लड़का प्रपोज कर रहा है और जैसे ही उसने प्रपोज किया और लड़की का चेहरा हो गया लाल, तो आपने क्या भविष्यवाणी करी क्या होने वाला है? She agreed, sir. वो उसको मार भी सकती है, स्लैप भी कर सकती है। तो यही तो होता है, आपने क्या किया धर्म लक्षण अवस्था, आपने देखा ना उसका चेहरा लाल हो गया, उसके फेशियल रिएक्शन चेंज हो गया, यही तो है यहाँ पे एक्चुअल में धर्म। ठीक है, अंडरस्टैंड करो ये धर्म ये प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती है, सारी की सारी सिद्धियां हम इनडायरेक्टली हम फॉलो भी करते हैं इनको। अब वहीं पे वो लड़की खुश हो गई है, मुस्कुराने लग गई है, तो वहां पे क्या भविष्य होने वाला है? सी विल एग्री एंड बोथ विल टूगेदर, तो ये भविष्य होने वाला है उनका। ठीक है, तो ये जो सिद्धियां हैं ये हम डेली लाइफ में हम लोग नोटिस करते हैं, कुछ ना कुछ ये आपके अंदर हमारे अंदर है। ठीक है, बट बहुत जो डीपली करे योगा से वो डीपली नॉलेज आती है। जब हम बहुत ही गहराई में छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हम हर चीज कह सकते हैं कि ये होगा आगे जा करके। ठीक है, अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी यही चीज देख के बताते हैं, मौसम की जानकारी कैसे होती है, बादल की हवा किस स्पीड में चल रही है, बादल कैसे हैं, वहां क्या हुआ, वहां की हवा पाकिस्तान की हवा भारत में कितनी देर में पहुंच जाएगी, तो उस आधार पे भविष्यवाणी बोलेंगे कल तक बारिश हो जाएगी। तो वही तो है, ये आज भी तुम यूज करते हैं उन भविष्यवाणियों को, उन ये भी तो सिद्धियां ही तो हैं जो आज मॉडर्न साइंस कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज द सर्वभूत रुत ज्ञानम शब्द अर्थ प्रत्याना मितरे धराज यासात संकरस्त परविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम, मतलब कि सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑल स्पीच, मतलब कि शब्द धर्म और ज्ञान। जब हम अच्छे से इन छोटी छोटी एक्टिविटी को नोटिस करेंगे तो हम बता देंगे कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। कुत्ते को तो बोलना नहीं आता, लेकिन जो जो डॉग लवर है कैट लवर है वो पहचान जाते हैं ना उनके रिएक्शंस से, शब्द उसने कब जीभ निकाल के हा हा किया, कब उसने पैर मारा, कब उसने भौंकना शुरू कर दिया, वो बता देगा इसको प्यास लगी इसलिए भौंक रहा है, ये गुस्से में इसलिए भौंक रहा है। ठीक है, जब हम उसके छोटे छोटे रिएक्शन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हम बता देंगे कि क्या कहना चाहता है। बेबी को नहीं बोलना आ रहा, बहुत छोटा बेबी है, बट मम्मी उसको 24 आवर देखती है, तो इसलिए उसके हर छोटे छोटे रिएक्शन से वो मम्मी बता देती कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। सो इट इज द सेम थिंग, सेम सर्वभूत रुत ज्ञानम, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। एक्चुअल ध्यान से देखें तो तीनों मिक्स हो रहे हैं, बट हमें अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे, छोटे छोटे रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसकी वाणी का हमें ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट इज 18 संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कार जो हैं, बोलते ना जो जीभ से ज्यादा पानी पी रहा हो पिछले जन्म में कुत्ता था क्या, ज्यादा गर्दन को हिला रहा है पिछले जन्म में बगुला था क्या, है बहुत ज्यादा तुम मतलब कि राजसिक प्रवृत्ति की हो तो पिछले जन्म में बहुत चंचल था क्या, हम एक अनुमान लगाते हैं ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब कि जिस टाइप की उसकी एक्टिविटी है, बोलते हैं कि एक बचपन से ही एक बहुत विद्वान ज्ञानी पैदा हुआ तो बोलेंगे पिछले जन्म में साधु था क्या, है नॉर्मल भी हम ऐसे करते हैं ना, पूर्व जाति ज्ञानम, पिछले जन्म में ये होगा तभी आज इसके ये संस्कार हैं, समझ रहे हो। संस्कारों को ध्यान से साक्षात अच्छे से करोगे ना, छोटी छोटी चीज को आप गेस कर सकते हो कि पीछे वो क्या था। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, इंटरव्यू में ऐसा किया जाता है, इस फॉर्मूले को इंटरव्यू में लगाया जाता है, या फिर मान लो कि लड़का लड़की की शादी हो रही है और भैया एक ही छोटी सी मीटिंग है 5 मिनट की, कैसे ऑब्जर्व करेंगे भैया उसको कि वो अच्छी पर्सनैलिटी का बुरी पर्सनैलिटी का है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, छोटे छोटे रिएक्शन, वो कैसे बातें कर रहा है, जैसे मुन्ना भाई में वो है ना कि वेटर से वो कैसे बात कर रहा है, है? मतलब कि उससे पता चल जा रहा है कि उसकी क्या पर्सनैलिटी है। इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू देने वाला है, ये जो जजेज हैं वो हर तरीके से उसको उकसाएंगे,
आपने देखा होगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखते हैं कि इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, उसके चेक करते हैं उसका मेंटल लेवल किस लेवल का है। यही तो है परतस्य परचित्त ज्ञानम। दूसरे के चित्त का संयम द्वारा अच्छे से फोकस करो, उसके चित्त को वो कैसे रिएक्शन दे रहा है छोटी छोटी एक्टिविटी को, आपको पता चल जाएगा वो किस पर्सनैलिटी का है, ठीक है। बट इसमें ये नहीं है, नेक्स्ट में आया, नेक्स्ट में क्लियरली बता रहे हैं, इसमें ये नहीं हम उसके मन की बातें नहीं बता सकते, हम एक वैसे गैस कर सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये थोड़ा बुरा आदमी है, ये नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं है, है? ये हम एक गैस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है बहुत एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट सूत्र में बताया नैचे तत्सालम्रम तस्या विश्चय भूतत्वात, वो क्या, क्योंकि हमारा जो जो आलंबन है उसका चित्त है, उस चित्त के विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी मन की सारी बातें नहीं बता सकते, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, ये यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान से जब उसको ऑब्जर्व करोगे तो नेक्स्ट आ गया कैसे गायब हुआ जाता है। अब गायब होने का राज जानने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कैसे हम दिखते हैं, बताइए हम दिखते क्यों हैं, किस वजह से, क्या है साइंस जिसकी वजह से आप और हम दिखते हैं, बताइए। सब अपने आप ही रिफ्लेक्शन, लाइट आई ऑब्जेक्ट पे टकराई और फिर वो लाइट हमारी आंखों में आ गई, फिर वो आंखों में आई तो हमें दिखाई दिया हो यहाँ पे कोई चीज पड़ी है, अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखता तो क्या मतलब चीज नहीं है, नहीं चीज तो है, हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि वो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है, अगर हम ये लाइट को रिफ्लेक्शन करने का यही प्रोसेस बदल दें अपनी योगा प्रैक्टिस से, तो हम अपने आप ही होते हुए गायब हो जाएंगे। यहाँ पे वही चीज बोली गई है, काय रूप संयमात, काया फिजिकल बॉडी मीनिंग फाइव एलिमेंट्स ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड, ओके संयमात, वी आर संयम, वी आर कीपिंग संयम ऑन द बॉडी फाइव एलिमेंट्स, तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, जो शक्ति है हमारी ग्राह्य शक्ति मतलब कि जो तन्मात्राएं हैं, जो हमारे भूत हैं, उनको हम अच्छे से कंट्रोल कर ले तो अपने आप ही जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा और वो लाइट आर पार हो जाएगी, हमारे रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, जब वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो हम किसी को दिखाई ही नहीं देंगी। तो चक्षु संप्रकाश, जो प्रकाश है वो आंखों में आ ही नहीं पाएगा, सो देन वी विल बी इनविजिबल, सो इट इज द पावर ऑफ द इनविजिबल, साइंस ऑफ द इनविजिबल, हाउ कैन वी बिकम इनविजिबल, ओके। नेक्स्ट इज द हाउ वी कैन गेस अवर डेथ एज लाइक पितामह भीष्म, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि मैं मरने वाला हूँ, बहुत सारे जो ग्रेट योगी होते हैं ना, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने बता दिया एक महीने बाद मैं मर जाऊंगा, बोल दिया मैं शरीर का त्याग कर दूंगा, जिस दिन डेथ शरीर का त्याग करने वाले थे बोले खिड़कियां खोल दो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मतलब कि जो अच्छे लेवल के योग साधक होते हैं उनको पता होता है कि वो मरने वाले हैं, अब कैसे पता चलता है उनको मरने वाले हैं, ये है राज, सोपक्रमम निरूपक्रमम। एंड अरिष्ट, अरिष्ट तो आज की मूवीज में सबसे बड़ा फेमस है अरिष्ट, चलो बताऊंगा, पहले सोपक्रम को समझो। सोपक्रम क्या होते हैं, मतलब कि ये तो आप सब लोगों को पता है कि दैट अवर लाइफ इज डिपेंड ऑन अवर कर्माज, वी ऑल नो वेरी वेल दिस कर्म सिद्धांत, ओके। सोपक्रम मीनिंग दैट कर्माज, बिकॉज दैट कर्माज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर जाति आयु भोग, अवर एज इज डिपेंड ऑन दैट कर्माज, तो जिनका आरंभ हो चुका है दैट कर्माज देयर रिजल्ट्स दे आर वी आर एट प्रेजेंटली दे आर गोइंग ऑन, ओके। एंड निरूप कर्मा, कर्म तो है पल हमें भोगना है बट अभी शुरू नहीं हुए हैं, वो आने वाले कल में आएंगे, मान लो कल आ जाए, एक साल बाद आए, दो साल बाद आए, वो आएंगे। सोप कर्मम, अब चल रहा है जो कर्म, जो कर्म का फल अभी चल रहा है। निरूप कर्मम, जो हम भोगेंगे आगे जा करके,
मतलब कि कितनी मात्रा में, मतलब कि मान लो एक अगर मैं क्वांटिटी बताऊं, सोप कर्म मान लो 10 है, निरूप कर्म भी 10 है फॉर एग्जाम्पल। अब 10 ये धीरे धीरे, फॉर एग्जाम्पल आज एक दिन में 10 खत्म हो जाएंगे, निरूप कर्म ये 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या गैस हुआ कि 10 दिन के बाद मेरी डेथ हो जाएगी, समझ रहे हो? जी भैया, तो ये है राज, कैसे मृत्यु का ज्ञान होगा अगर हम संयम करें प्रॉपरली सोप कर्मम और निरूप कर्मम के ऊपर, तो हम मृत्यु का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा बताया गया अरिष्ट, मूवीज में बड़ा फेमस है ना अरिष्ट, जैसे कि दिया बुझ गया, ओहो दिया मतलब कि उसके प्राण ही दिए में थे, दिया बुझा और उस तरफ से वो मर गया, ये तो बड़ा फेमस है इंडियन मूवीज में ना। इस तरीके से बोल रहे हैं, लेफ्ट आंखें बाई आंख फलक भड़क रही है, बार बार हिचकी आ रही है, को याद कर रहा है ये बहुत सारे अरिष्ट होते हैं ना। ओ ये चीजें हो, मुझे घबराहट हो रही है, शायद आज मैं मरने वाला हूँ। मैंने छोटे छोटे कई टाइप के अरिष्ट होते हैं, ओमनीज इसको बोलती हैं, जिसकी वजह से लोग गैस करते हैं कि मैं मरने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है कैसे हमें मृत्यु का ज्ञान होगा। तो दो रीजन से ये एग्जाम में पूछा गया था, जब मैंने एग्जाम दिया था 20 में, सोप कर्म निरूप कर्म आया था क्वेश्चन एग्जाम में। ओके अरिष्ट कुछ भी आ सकता है, हर बार नया आएगा एग्जाम में क्वेश्चंस। नेक्स्ट 23, मैत्री आदिशु बलानी। अब मैत्री आदिशु 34 सूत्र चैप्टर नंबर 1, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम। ओके आप सबको याद होगा वो सूत्र, तो यानी कि जो मैत्री आदि मतलब, लेकिन यहाँ पे उपेक्षा को नहीं गिना, काउंट किया गया है। फर्स्ट थ्री दे आर काउंटिंग, दे आर टेलिंग फर्स्ट उपेक्षा, इट इज नॉट द भावना, इट इज नॉट द एक्चुअल फीलिंग, इट इज द इग्नोरेंस। एक्चुअल आर द मैत्री करुणा मुदिता फ्रेंडली, ओके फ्रेंडलीनेस, द कंटेनमेंट एंड द प्लेजर और हैप्पीनेस। मुदिता, तो हम अगर मैत्री के गुणों को ध्यान से देखेंगे, कोई होती है, कई लोगों में होते हैं गुण, मतलब कि एक मतलब कि जैसे अदिति कादियान है आपकी टीचर हिंदी मीडियम की, उसके अंदर ही मैत्री का गुण है, किसी को भी अपना दोस्त बना लेगी वो, किसी को भी, इतनी अच्छी क्वालिटी है उसकी। ऐसे ये आप लोगों के अंदर भी होता है, करुणा मुदिता, ठीक है, तो ये गुण है मैत्री आदिशु बलानि। अगर हम ध्यान से फोकस करें मैत्री कैसे की, किसी से दो कई दोस्त, कई लड़के बड़े एक्सपर्ट होते हैं लड़कियों को फंसाने में, उनको पता है कि लड़कियों को कैसे फंसाना है, उनसे कैसे दोस्ती करनी है, तो दे आर एक्सपर्ट ऑफ दिस विभूति मैत्री है। कईयों को पता है कि कोई आदमी दुखी है तो दुखी आदमियों को कैसे सांत्वना देना, ये ज्यादातर लड़कियों में क्वालिटी होती है, करुणा, कैसे उसको मोटिवेट करना है दुख के पीरियड में है? मुदिता, कैसे किसी को खुश करना है? सब लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है, ये है बलानी, मैत्री आदि से बलानी। ध्यान से हम संयम करेंगे, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, भैया ये थोड़ी मीठी मीठी बातें करोगे तो लड़की आपकी दोस्त बन जाएगी, उल्टा उल्टा करोगे तो दोस्त नहीं बनेगी। जब ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान दोगे ना, अपने आप ही आप परफेक्ट हो जाओगे, किसी को भी दोस्त बना सकते हो आप, अगर आपने उन छोटे छोटे रिएक्शंस को नोटिस किया तो। समझ गए? नेक्स्ट इज द बलेसु हस्ति बलादिनी। बलेसु ये मॉडर्न टाइम में थोड़ा कम है, लेकिन दो एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े इसके हैं, दैट सल्ले और बाली। बाली के अंदर वो शक्ति थी कि बाली, क्योंकि राम जी ने क्यों छुप के मारा, राम जी तो बहुत शक्तिशाली थे हैं, बट फिर भी उनको पता था अगर राम जी बाली के सामने आए, बाली के अंदर वो शक्ति है कि बाली के सामने जो भी आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी, जब राम जी की शक्ति अगर बाली में आ गई तो राम जी उसको कभी मार ही नहीं पाएंगे, इसलिए राम जी ने छुप के मारा, इसलिए सामने से नहीं मारा बाली को। तो बाली के अंदर ये वाली शक्ति थी, बलेसु हस्ति बलादिनी, जो भी उसके सामने आएगा उसकी शक्ति बाली में आ जाएगी। ये महाभारत का चेहरा आपको याद होगा, शल्य, ये था नकुल सहदेव का मामा,
इसके अंदर इसको शक्ति मिली थी, कोई गुस्सा करेगा तो उस गुस्सा करने की शक्ति इसमें आ जाएगी। लास्ट में महाभारत के जब लास्ट में कर्ण के बाद इसको सेनापति बनाया पांडव कौरवों का, तो भीम आया, भीम बड़ा गुस्सेशाली, भीम का गुस्सा गुस्सा हुआ, भीम की शक्ति आ गई सल्ले में, भीम हरा दिया। अर्जुन गुस्सा हुआ, अर्जुन की शक्ति आ गई, इसमें अर्जुन को हरा दिया। नकुल सहदेव को हरा दिया। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को अपने गुस्से पे कंट्रोल था, उसकी शक्ति ले ही नहीं पाया तो युधिष्ठिर ने इसको मार दिया। ठीक है, तो ये है बले सुहस्ति बला देनी। इन जैसे सल्ले और बाले के अंदर वो शक्ति थी कि कैसे सामने वाले की एनर्जी लेनी है, हमें सामने वाले की ताकत लेनी है। ठीक इसी तरीके से अगर हम संयम करें किसी के बल के ऊपर, जैसे हाथी पे बल किया तो हाथी की शक्ति आ गई, चिड़िया पे बल किया तो चिड़िया की शक्ति आ गई, जिस पर भी हम संयम करेंगे उसे सामने वाले की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। ये है बलेषु हस्ति बलादिनी। ओके, जब अच्छे से प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर। ओके ओके, हूएवर वी विल फोकस द पावर ऑफ द अदर पर्सन और एनी अदर ऑब्जेक्ट हिज स्ट्रेंथ वी कैन अटेन इजिली, वी कैन गेट। फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑब्जर्विंग द एलिफेंट एंड वी आर प्रॉपरली ऑब्जर्विंग हिम, सो एलिफेंट स्ट्रेंथ वी कैन अटेन। एज सेम द बाली, बाली ही हैज दिस दैट स्ट्रेंथ, ही कैन इजिली अटेन द हूएवर कम टू फ्रंट ऑफ बाली, ही हैज दैट सिद्धि दैट द अपोजिट द एनिमी हिज स्ट्रेंथ ही विल गेट। दैट्स वाई रामा ही किल्ड बैक साइड एंड नॉट फ्रंट साइड। ओके, गेटिंग? यस सर। नेक्स्ट इज द परवृत्त लोकन्यासात सूक्ष्म व्यवहित अभिप्रकृष्ट ज्ञानम। सूक्ष्म मीनिंग जो बहुत छोटे हैं, एज लाइक एटम्स, सेल्स, डीएनए, वी कैन नॉट सी विद नॉर्मल आइज, वी कांट सी। व्यवहित, व्यवहित मीनिंग समथिंग इंटरफेस हियर, वॉल इज बेयर, यू आर लॉक्ड इन एनी रूम, तो कमरा बंद है तो कमरे के बाहर तो आप नहीं देख सकते, विंडो बंद है, दीवार है, व्यवहित कुछ बाधा है बीच में, व्यवधान है। अभिप्रकृष्ट मीनिंग कोई बाधा नहीं है बट डिस्टेंस इज टू लॉन्ग, सो वी हैव ऑल हैव द लिमिट टू सी, वी कैन सी हाफ किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आफ्टर दैट वी कैनॉट सी, वी कैनॉट सी वट इज अकरिंग इन अमेरिका राइट नाउ बिकॉज इट इज सो लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ हियर इज टेलिंग परवृत्त लोकन्यासात, परवृत्त लोकन्यासात मीनिंग बाय फोकसिंग द फ्लेम ऑफ द हार्ट, ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति, द हार्ट रीजन वेन वी फोकस देन इजिली एट द sitting in the play one place, the yogi can get the knowledge of the sukshma vyavhit and the long distance abhipkrishta jnanam. Okay, that's why the our ancient, our sages, so they can the in our movies famous na, that Lord Shiva, he is sitting in the kailas but he can see what is occurring in the earth at the same place, thousands of kilometers he can see, he can hear easily what they are talking. So it is also that power paravritta lokanya sat. If we have a very good command on the lok paravritta lokanya sat, on the practice of the heart region, okay, that practice if we are perfected, then easily we can get this siddhi. Sir, Sanjaya also have same power na, Sanjaya in Mahabharata. Yes, that, but that is given by the Krishna, he did not perfected. Here we are discussing about the which we can perfect, that is the grace of the Vyasji. Vyasji yes. Gave the blessing and then everything in front of him. Okay, that we consider that is the Vardhan. Okay, not the siddhi, that is the vardhan.
एंड बिकॉज ऑफ दैट वरदान ही परफेक्टेड दैट इजिली. भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात. भुवन ज्ञानम, भुवन मीनिंग द यूनिवर्स नॉलेज. हाउ कैन वी गेट बाय द नॉलेज ऑफ द सन? दैट्स वाई द आर्यभट्ट ही टोल्ड सन इज नॉट राउंडिंग, अर्थ इज राउंडिंग. उस टाइम तो कोई भी टूल नहीं थे, कोई स्पेसशिप नहीं थी, फिर भी उन्होंने बता दिया नहीं पृथ्वी चक्कर लगाती है. टाइम पीरियड भी बता दिया 365 दिन, एक एक बताए, वार बताए, नक्षत्र बताए. उसी के बेस पे ज्योतिष शास्त्र डेवलप हुआ. किसके आधार पे? भुवन ज्ञानम सूर्य संयम. तो उन्होंने अच्छे से फोकस किया, अच्छे से वो देखते थे सूर्य की गति, कब वो उत्तरायण हो रहा है, कब वो दक्षिणायन हो रहा है, किस समय क्या हो रहा है, हवा कैसे परिवर्तित हो रही है, चंद्रमा कैसे गति कर रहा है. चंद्रमा के आधार पे महीने का आविष्कार हुआ. 15 दिन में चंद्रमा खत्म हो जाता है, फिर 15 दिन में डेवलप हो जाता है. तो वहां से अंदाजा लगा 30 दिन का एक महीना है. ऐसे अमावस्या होती है, ऐसे पूर्णिमा होती है. तो इसी तरीके से भुवन ज्ञानम संस, यूनिवर्स की नॉलेज हमारे ऋषि महात्माओं को हुई, उनके अंदर ये सिद्धि थी. आप भी कर सकते हो ये सिद्धि, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए बहुत. चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चांद पे फोकस करो तो तारों की, तारों के बारे में जानकारी हो जाएगी. ध्रुवे, ध्रुव तारा होता है एक, ध्रुव इज अ वन काइंड ऑफ स्टार. देन वी कैन से इजिली बिकॉज अदर स्टार्स दे आर कोरिलेटिंग विद द ध्रुव तारा. एज वी आर टेलिंग ना दैट सन, सन इज द बेस ऑफ द अदर प्लैनेट्स. सन के आधार पे हम बाकी प्लैनेट्स की गति बताते हैं. तो यहाँ पे ध्रुव तारे के बेस पे हम बाकी के तारों की गति बताएंगे. अगर हमें ध्रुव तारा पता होगा तो बाकी तारों की मूवमेंट्स वी कैन से इजिली. अब कैसे आचार्य सुश्रुत ने, भैया कैसे उसको बॉडी फिजियोलॉजी का ज्ञान हो गया? आचार्य चरक 5000 years ago, how he developed that great Ayurveda's that text, how he did many surgery, how he get that perfectness. नाभि चक्रे काय व्यू ज्ञानम. मे बी पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी दैट ही वॉज ऑल्सो परफेक्टेड इन दिस सिद्धि. दैट्स वाई ही गेट टू नो वट इज अक्रिंग इन द बॉडी, हाउ द सिस्टम्स आर वर्किंग, हाउ द ऑर्गेन्स, हाउ द सेल्स आर वर्किंग, हाउ वी हैव टू डू द सर्जरी, हाउ वी हैव टू डू, कैसे हमें इसको बेहोश करना है, हर चीज के बारे में कैसे आयुर्वेद के शास्त्रों को, हमारे आचार्यों को पता चल गया. सिद्धि की वजह से पता चल गया, ये सिद्धि थी वो. कंठकूपे चुत पिपासा निवृत. हाउ ए योगी कैन सर्वाइव इन द हिमालयाज, इन द फॉरेस्ट, इन गुफाओं के अंदर कैसे वो हजारों साल रह लेता है बिना कुछ खाए पिए? ये तो हठ योग में भी आता है ना, शीतली कुंभ का, शीतकारी कुंभ का, दे आर ऑल्सो इफेक्टिंग द कंठकूप. That's why, because Kanthakupa they are affecting. So here Maharishi Patanjali is telling Sayama on the Kanthakupa. If you get perfected in this practice, then you can overcome on the hunger and the thirst. भूख और प्यास पे आप विजय पालोगे, भूख प्यास आपको परेशान नहीं करेगी. Okay. Next is the Kurman. Nabhi chakra, sir. Nabhi chakra. What we will get? Navi chakra, all the nadis, they started from the navel. Okay, because all the nadis, according to our yoga text, nadis, 72,000 nadis, they are spreading in the whole body. And the origin of the, that nadis, it started just below the navel region, just below. Generally, we consider navel. That's why, it's my assumption, maybe because of that process, that yogi he able to know what is occurring in the body, how cells are growing, how that these kinds of changes is occurring in the body, how he is getting problems, what is the solution of that problems. Are you getting or not? Okay sir.
या नेक्स्ट इज द कुर्मनाड्यम स्टेरियम. कुर्मनाड्यम लोकेशन इज ऑन द स्टर्नम रीजन. स्टर्नम बोन इज देयर ना, वो छाती में जो बीच में हड्डी होती है. तो देयर इज द समथिंग द कुर्म. कुर्म मीनिंग एज द स्ट्रक्चर ऑफ द टोर्टोइज. कछुए के आकार की नाड़ी है हमारे चेस्ट में, उस पे अगर हमने संयम किया देन वी कैन गेट द स्टेबिलिटी, स्टेडीनेस वी कैन अटेन. नेक्स्ट हाउ वी कैन गेट द दैट द परफेक्टेड योगी, सिद्ध योगी गोरक्षनाथ जी, महर्षि पतंजलि जी, हाउ वी कैन सी देम, हाउ वी कैन सी द कृष्णा, द रामा, द अदर ग्रेट योगीज. मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन. मूर्ध मूर्ध एरिया वी कंसिडर इट इज द सहस्त्रार चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र. इट इज द कपोल रीजन इन अवर हेड. ओके, देर इज वेन वी फोकस ऑन द ब्रह्मरंध्र द मूर्ध भाग ज्योतिषी. ज्योतिषी मीनिंग द फ्लेम. वहां पे हम ध्यान लगाएंगे उस ज्योति का जो उस स्थान पर है, ब्रह्मरंध्र स्थान पर जो ज्योति है उसका ध्यान करेंगे तो मैं अपने आप ही जितने भी ग्रेट ग्रेट योगी हैं वो हमें दिखेंगे, उनके दर्शन होने लग जाएंगे. ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना मेडिटेशन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, वही है मेडिटेशन और मूर्ध स्थान. नेक्स्ट इज द प्रातिभाद्व सर्वम. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ जस्ट बिफोर द विवेक ख्याति. फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो दे आर एक्सप्लेनिंग बिफोर द सन राइजिंग वी कैन सी द वर्ल्ड, वी कैन सी द लाइट. अभी सन सूरज उदय उगा नहीं है बट उससे पहले ही हमें उसकी लाइट दिखाई दे रही है बट सूरज दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे ही अस्त हुए भी सूरज तो छुप गया बट उसकी लाइट हमें अभी भी दिखाई दे रही है. सेम इसी तरीके से विवेक जन ज्ञान है, विवेक ख्याति. विवेक ख्याति में क्या होता है, एवरीथिंग वी नो. ऐसे ही सूरज से क्या होगा, व्हाट हैपन विद सनलाइट, वी कैन सी डे विल बी देयर बट जस्ट बिफोर सन राइजिंग ऑल्सो वी कैन सी. सेम हियर जस्ट बिफोर द विवेक ख्याति ऑल्सो वी कैन गेट द नॉलेज दैट इज द प्रातिशक्ति, प्रातिविज्ञान. Before it is coming before the Vivek Khyati. So we will get the knowledge of everything. Now here, Hridaye Chitta Sambit. If we sayama on the heart. Excuse me, sir. Yes. So from Prativgyan, we get the knowledge of past? Everything. इट इज द विवेक जन ज्ञान. विवेक जन ज्ञान मीनिंग एवरीथिंग, सर्वम, भूत भविष्य आगे क्या होने वाला है चीज़ को. ठीक है सर, वेयर टू फोकस, वेयर टू फोकस, हियर नो एनी फोकस. इट इज द स्टेट ऑफ बिफोर द विवेक ख्याति ओनली, नॉट एनी फोकस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वी फोकस ऑन द हार्ट. विल डिस्कस लेटर, लास्ट ही एक्सप्लेन हाउ वी कैन गेट द, how we can attain the, how we can perfect the vivek gyan, that method we'll discuss. It is a before state of the vivek khyati. Okay, hridaye chitta sambita. If we focus on the heart region then chitta sambita, chitta sambita, chitta ke swarup ka gyan, the nature of the mind, nature of the chitta, we can get to know. Okay, माइंड कैसे काम करता है, हाउ द वृत्तियाज आर इन्फ्लुएंसिंग द चित्ता. वृत्तियां किस प्रकार से चित्त को भ्रमित करती हैं, कैसे भटकाती हैं, वो हमें हृदय पे ध्यान करने से प्राप्त होगा, पता चलेगा. ठीक है, नेक्स्ट कैसे हमें पुरुष ज्ञान, मतलब कि आत्मा का ज्ञान, द भगवान का ज्ञान समझ लो, पुरुष आत्मा का ज्ञान कैसे होगा. हियर ही इज टेलिंग सत्त पुरुषयो अत्यंत संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः. फर्स्ट ही इज टेलिंग व्हाट इज भोग.
भोगे मीनिंग द नॉर्मल लाइक यू एंड मी वी आर इन द भोगे पीरियड बिकॉज वी आर कंफ्यूज वी डोंट नो प्रॉपरली दैट बुद्धि इज डिफरेंट और सोल पुरुष इज द डिफरेंट बोथ वी आर लुकिंग दैट इट इज द सिमिलर बिकॉज ऑफ द अस्मिता क्लेश वट इज अस्मिता दृग दर्शन शक्यते हो दृग शक्ति दर्शन शक्ति द बुद्धि एंड द पुरुष इट इज रिजेम्बलिंग दैट बोथ आर सेम दोनों में एक दिखाई दे रहे हैं दैट इज द अस्मिता क्लेश सो इन द नॉर्मल लाइफ अस्मिता क्लेश इज वर्किंग सो दैट्स वाई वी आर अनअवेयर अबाउट द पावर ऑफ द वी आर नॉट गेटिंग द सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन विल अकर ओनली वेन वी अंडरस्टैंड दैट बुद्धि इज डिफरेंट एंड सोल इज द डिफरेंट बोथ आर द डिफरेंट एलिमेंट्स And actually also, Buddhi is the complete, it is the Parinama, it is the Jada, it is the Bhoga, it is the Chanchal, because it formed from the Prakriti. Purusha is the Aparinama. It is the Asanga. Asanga meaning he doesn't participate in any activity. Both are the completely different, but both looks same because of the asmita only so that we called it is the when we are no not able to that both are the different that it is the bhogaha this questions can come in the exam what is the bhogaha when buddhi and the purusha both looks similar that situation that we called it is the bhogaha state and next he is telling परार्थ एंड द स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम सो परार्थ स्टेट इट इज अ दैट स्टेट व्हेन माइंड इज अंडर द अस्मिता क्लेश स्वार्थ दैट स्टेट व्हेन अस्मिता क्लेश इज नॉट देयर लिटिल डिफरेंस परार्थ अस्मिता इज नॉट देयर Sorry, Asmita is there. And Asmita is there, then what happened? Buddhi and Purusha both same, we understand. And Swarth state. Swarth kya sthiti hai ye? Isme Asmita klesh nahi hai. Thik, Asmita nahi hai, to matlab ki hame pata hai, Buddhi alag hai aur Paramatma alag hai, Purusha alag hai. To isme Swarth ये वाली इस स्टेट पे हमें फोकस करना है संयम करना है स्वार्थ पे परार्थ पे तो नॉर्मल में हम करते ही हैं है नॉर्मली हम तभी हमें नहीं पता है स्वार्थ पे करेंगे तो हमें अपने आप ही पुरुष का ज्ञान हो जाएगा समझ गए थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना कंसेप्टुअल चीजें हैं सारे की सारी ये कंसेप्ट क्लियर तो सब क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज द 36 Now, what happened in previous sutra, we discussed that how we can get the knowledge of the Purusha. Now here he is describing then what happened when we get the Purusha knowledge. Then these kinds of six special siddhis we yogi will attain. तो ये छह प्रकार की स्पेशल सिद्धियां हमें मिलेंगी अगर हमने जो पीछे स्वार्थ संयम किया और पुरुष का ज्ञान हुआ तो ये पेपर में कई बार आ चुका है ये सीक्वेंस और ये सही मिलान करके क्वेश्चन हर बार बनता है एग्जाम में यहाँ से प्रातिभ अभी पीछे भी जाना था ना प्रातिभद्व सर्वम प्रातिभ मीनिंग सब चीजों का जानकारी हो जाना प्रातिभ श्रावण श्रावण मीनिंग डिवाइन ईयर डिवाइन हियरिंग पावर दिव्य सुनने की शक्ति हजारों किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उसको भी सुन सकते हैं वेदना इज द डिवाइन टचिंग पावर रिलेटेड विद द स्किन आदर्श डिवाइन विजुअल पावर आदर्श दर्शन शक्ति स्वाद द टंग टेस्ट डिवाइन टेस्ट पावर वार्ता मीनिंग इट इज रिलेटेड विद द नोज इट इज द डिवाइन दैट
फ्रेग्रेंस पावर, डिवाइन द स्मेल पावर. ओके, सो दीज आर द सिक्स स्पेशल काइंड्स ऑफ सिद्धिज योगी अटेन आफ्टर गेटिंग द परफेक्टेड इन द पुरुष ज्ञान, पुरुष नॉलेज. सर व्हाट इज प्रतिभा? सर मिस हो गया. प्रतिभा इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्राइमरी स्टेट ऑफ द विवेक ख्याति. एंड विवेक ख्याति मीनिंग सब कुछ ज्ञान होना, सर्वम ज्ञानम. तो भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, छुपी हुई, ढकी हुई, दूर स्थित हर चीज के बारे में उसको पता होगा. समझ गए प्रतिभा में? यस सर. और ये बाकी सेंस रिलेटेड है, ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज. ओके, नेक्स्ट इज 37. अब ये जो सिद्धियां हैं, अब सिद्धियां किस चीज का लक्षण बताएंगे बताइए? सिद्धियां अगर किसी योगी को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? कैवल्य मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं. वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर. इसका मतलब वो सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं. जैसे मैं भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आप लोग आंसर कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हो उस चीज को. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग टू यू. सो सेम हियर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस द योग साधना एंड व्हेन वी संयम इन द डिफरेंट things described in the yoga darshan and we are getting the perfectness, we are getting the siddhi. Siddhi meaning that we are going in the right way, but it doesn't mean that you are attached with that siddhi. Hame siddhiyon mein fasna nahi, siddhi aa rahi hai. Iska matlab ye hai aapki sadhana bahut right direction mein ja rahi hai, but attached nahi hona hai. सभी को ठीक हो रही है क्या? टू इंटरप्ट सर. यस सर. ओके, पैकेट करो डायरेक्टली सर. बस मैं सैटिस्फाई करो कि माय वॉइस एक्चुअल में डिस्टर्ब है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या पढ़ रहे थे, एकदम से लेट टूट गई बोलने से. हाँ, तो हम योग साधना करेंगे, योग साधना करने से सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन जो योगी हु अटैच विद दैट सिद्धि एंड हु सोफ, बहुत सारे होते हैं ना सोफ करते हैं, उनको कुछ थोड़ी बहुत सिद्धि मिल गई, वो सोफ में लग जाते हैं, फिर उनका वही बिजनेस बन जाता है. अब वो बिजनेस बन गया तो फिर वो आगे की साधना कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे. तो व्युत्थान, व्युत्थान मीनिंग अगेन दे विल रिवर्स फ्रॉम एकाग्र टू द विक्षिप्त स्टेट. आर यू गेटिंग, आर यू एबल टू कोरिलेटिंग दिस स्टेट, दिस थिंग? यस सर. यस सर. यस सर. वेरी गुड, वेरी गुड. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले वो समझाया था आपको, व्युत्थान क्या होता है, निरुद्ध क्या होता है. ठीक है, तो वापिस पिछली स्टेट में चले जाएंगे, पिछली भूमि में चले जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके सारी सिद्धियां भी समाप्त हो जाएंगी उस योगी की. इसलिए हठ योग में बोला गया है गुप्त रखो, सिद्धियां समाप्त हो जाएंगी. सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस ब्रेक हो रही है. सभी को हो रही है? अच्छा, मेरा फोन का लगा विंडो आने का टाइम आ गया. अभी देखो सही हुई? यस जी सर. हाँ, मेरा फोन गया विंडो पे. अब विंडो से यहाँ नेटवर्क अच्छा आएगा. चलिए भी, तो अब आते हैं 37 पे, 38 पे. बंध कारण सही थल्यात पर चार संवेदना चित्त से पर शरीरा. हम दूसरे शरीर में कैसे जा सकते हैं? अपने शरीर को छोड़ के. शक्तिमान देखा आप लोगों ने? शक्तिमान में जब वो स्टार्टिंग किल्विस और सत्या होते हैं योगी, वो कैसे उसको गुरु सिखाता है सत्या को, फिर वो
किल्विस जो होता है वो उसके सीख के उसके गुरु की शरीर पे कब्जा करके फिर वो अपना जो भी मणि है उनके लेके भाग जाता है। देखा आप लोगों ने शक्तिमान? yes, तो वही है, दूसरे के शरीर में घुस गया, वो अपने गुरु की बॉडी में घुस गया और अपना शरीर जला दिया उसने। तो अब इसमें आपको जानना ये जरूरी है, पहले तो शरीर को तो तब छोड़ेंगे, पहले आपको ये जानना जरूरी है हम शरीर में फंसते कैसे हैं। आंसर करें मुझे, कोई भी चित्त शरीर में फंसता क्यों है, क्यों हम शरीर धारण करते हैं, ये पता चल लो, अपने आप फिर शरीर को छोड़ेंगे कैसे वो भी पता चल जाएगा। बताओ क्यों शरीर को धारण? कर्म संस्कार के कारण। एक्सीलेंट, तो कर्म संस्कार हमें पता चल गया कि कर्मों की वजह से, संस्कारों की वजह से हम लोग शरीर में आते हैं। बंध कारण सही थल्यात, ये है रीजन बंधन का, दैट इज अ कर्म संस्कार। अगर हम उस पे कंट्रोल कर ले, इफ यू एबल टू कंट्रोल अवर कर्माज, कर्माज दे बाउंड अस इन दिस बॉडी, देन प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीर वेश, देन इजिली वी कैन लीव दिस बॉडी एंड वी कैन get the other, we can transfer our chitta to the other body easily, we can do so, this is the how we can change the body. Next is the 39, how yogi can walk on the water, how yogi can walk on the mud, walk on the thrones, we can। अब ये जानना आपको जरूरी है, पहले ये बताओ हम पानी में चल क्यों नहीं पाते हैं, फिर कैसे ऊपर चलेंगे, अब तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। बताइए क्यों हम पानी में डूब जाते हैं? हमारा शरीर भारी होता है। वेरी गुड, शरीर भारी है, अगर हम शरीर को हल्का कर दें तो डूबने का चांस ही नहीं बनता। Same formula he is telling here. The same science, देखो, now you can see the Patanjali, हर चीज कितना scientifically उन्होंने बताया यहाँ पे, बस हमें समझ नहीं आ रहा है, हम correlate नहीं कर पा रहे हैं science से। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, इसलिए मैं बार बार सारी चीजों को scientifically बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी समझ पाओ, नहीं तो वैदिक तरीके ग्रंथों के तरीके से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएंगी कोई भी सिद्धि आपको। तो उदान जया जल, उदान वायु, उदान वायु का काम क्या होता है जल्दी बताओ? ऊपर ऊपर कम्युनिकेशन, उदान वायु। हियर यू कैन सी द सेकंड पिक्चर, इट इज द उदान, हियर कम्युनिकेशन, उदान उदान वर्क इज अपवर्ड, सेम हियर आल्सो उदान इज द अपवर्ड। सो उदान का काम ही होता है ऊपर उठाना। तो जब हम उदान पे संयम करेंगे, उदान वायु के ऊपर, तो उदान वायु, उदान जो शक्ति है, उदान प्राण है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आएंगी तो अपने आप ही हमारी बॉडी का वेट कम हो जाएगा। और जब बॉडी का वेट कम हो जाएगा तो जल पानी पे हम चल सकते हैं, पानी में डूबेंगे नहीं है, पंख कीचड़ में डूबेंगे नहीं, कंटक कांटे के ऊपर चलेंगे, कांटा चुभेगा ही नहीं क्योंकि हम तो बहुत हल्के हैं, उनका कोई टच ही नहीं होने वाला, उत्क्रांत नो इफेक्ट, शरीर के साथ संयोग ही नहीं होने वाला क्योंकि हम ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर का हमारा ग्रेविटी उल्टी काम करने लग गई, अब वहां पे नहीं काम करेगी नीचे की तरफ, ठीक है। वो योगी की इच्छा के ऊपर होगा सारी चीजें, उसको ग्राउंड पे आना है, उसको कांटे चुभाने हैं, पानी में डूबना है नहीं डूबना है, उसकी डिपेंड्स ऑन हिज योगी, ओके। सो विद इन ए सेकेंड इफ ही इज परफेक्टेड इन द धारणा ध्यान समाधि, सो विद इन ए सेकेंड ही कैन संयम ऑन द उदान वायु, सो ही विल नॉट इफेक्टेड बाय द वॉटर और द मड और दैट थ्रोन्स, ओके। नेक्स्ट, हाउ वी कैन दैट मेक अवर बॉडी ल्यूमिनियस, कैसे हम अपने शरीर को एक प्रदीप्तिमान दीप्तिमान बना सकते हैं। देखा है ना, योग साधक जो होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होती है, अलग ही ऑरा होता है उनके ऊपर,
साधकों के ऊपर, ल्यूमिनियस बॉडी, लाइट निकलती है। आप लोगों ने महर्षि अरविंद की स्टोरी पढ़ी है, महर्षि अरविंद उनकी शिष्या बता रही है 5 दिसंबर को उनकी डेथ हुई, 9 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया, 4 दिन तक उनकी बॉडी कमरे में रखी गई, लेकिन उनकी बॉडी स्मेल नहीं किया। 4 दिन तक उनके शरीर से लाइट निकल रही थी महर्षि अरविंद के, आज से 100 साल पहले की घटना है। ये है योग की शक्ति। समान ज्या ज्वलनम, समान वायु पे अगर हम संयम कर लेंगे तो हमारी शक्ति जो है, सॉरी हमारा जो बॉडी है वो ल्यूमिनियस हो जाएगा, चमक निकलेगी, लाइट निकलेगी हमारी शरीर से, अगर हम इसमें परफेक्टेड है तो। नेक्स्ट 41 इट इज श्रोत्र काशयो संबंध संयमात दिव्यम श्रोत्रम। श्रोत्र मीनिंग द कान, ईयर, आकाश, स्काई, ओके, बिकॉज दैट ईयर, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स एंड द स्काई तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, आकाश तत्व, बोथ आर रिलेटेड हियर। तो संबंध संयम आता, अगर हम इस पे नियंत्रण कर ले अपने कानों पर और स्काई पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है, ऑटोमेटिक देन वी विल बी अंडरस्टैंड द वर्ड्स, शब्द तन्मात्रा, सो दैट इज द दिव्य श्रोत्रम, शब्द तन्मात्रा, वट एवर अकरिंग इन दिस वर्ल्ड, द डिवाइन हियरिंग पावर वी योगी कैन एबल, ओके, दिव्य सुनने की शक्ति, एक हजारों किलोमीटर दूर क्या चल रहा है वो भी सुन सकता है, वो दिव्य शक्ति आ जाएगी सुनने की उसके अंदर। नेक्स्ट है हाउ योगी गेट, हाउ ही कैन वॉक इन द स्काई, हाउ ही कैन फ्लाई इन द स्काई, सेम वही है साइंस के अकॉर्डिंग, इफ यू अंडरस्टैंड, वेट कंट्रोलिंग द वेट, काया काशयो, फर्स्ट कंट्रोल द बॉडी एंड देन कंट्रोल द स्काई, अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली, संयम ऑन द बॉडी एंड द स्काई, बॉडी को हमने संयम करके हल्का किया, आकाश में हमने कंट्रोल कर लिया, सो दैट्स इजिली लघु तुल समापत्ति चाकाश गमनम, ऑटोमेटिक देन अवर बॉडी विल बी लाइट एंड इजिली वी कैन वॉक और वी कैन फ्लाई इन द स्काई एज लाइक द हनुमान जी। नेक्स्ट इज द बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह, तथ प्रकाशावरण छह, प्रकाशावरण छह ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द बेनिफिट ऑफ द प्राणायाम, मे बी यू रिमेंबर, सो हियर ऑल्सो सेम थिंग, प्रकाशावरण छह मीनिंग दैट इग्नोरेंस नॉलेज, जो वास्तव में है नहीं लेकिन हम उसको समझते हैं, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं लेकिन है नहीं, गलत ज्ञान का ओरा, वो कम हो जाएगा, कैसे कम हो जाएगा, बहिर्कल्पिता, सो यहाँ पे क्या है कल्पिता, और इफ वी डिवाइड इट इज अकल्पित, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कल्पित, व्हाट इज कल्पित, शरीर के बाहर जो मन की शक्ति स्थिति है, योगी इज सिटिंग हियर बट हिज माइंड इज आउटसाइड विद द प्रैक्टिस, दैट वी कॉल्ड इट इज द विदेह धारणा, और मन के शरीर में रह, माइंड इज इनसाइड द बॉडी बट द फीलिंग्स आर आउटसाइड, That is the kalpit, and akalpit mind is outside the body. That is the akalpit. जब शरीर से संबंध छोड़कर बाहर निकले हुए मन की है जो बाहर की स्थिति, मन mind is coming out. चित्त जो है हमारा बाहर आ गया है शरीर से, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना दूसरे शरीर में वास करना, यहाँ पे दूसरे शरीर में वास नहीं किया है, शरीर को छोड़ दिया है, बाहर आ गया है, तो उस स्थिति को हम अकल्पित स्थिति बोलेंगे, और उस नॉर्मल को हमने विदेह बोला था, और इसको हम बोलेंगे महाविदेह धारणा, महाविदेह स्थिति, ओके, जिसमें हमारा
चित बाहर आ गया है, चित अंदर था तो विदेह धारणा, चित बाहर आ गया तो महाविदेह धारणा, जब ऐसा होगा तो प्रकाश आवरण छे, तो सारी इग्नोरेंस जो भी है वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी और एक्चुअल ज्ञान आएगा सामने फिर। एक्सक्यूज मी सर, इफ माइंड विल लीव द बॉडी दैट स्टेट कॉल्ड महाविदेह एंड विदेह स्टेट इज कॉल्ड माइंड इज इनसाइड द बॉडी बट द मेडिटेटिंग आउटसाइड। ओके, दैट इज कॉल्ड विदेह स्टेट। Yeah, Videh Dharana, that is okay. Okay. Next is the very, very most important, it is Bhutaja Siddhi. Many times in the exam it comes, Bhutaja Siddhi. So then, Bhutaja meaning? Bhuta. Victory over Panchabhutas. Yeah, five bhutas has the five major qualities. Okay, so they are categorizing that quality, they are under the Savrupa. Here are the states of the bhutas. First is the Sthula. Second is the Savrupa. Third is the Sukshma. Fourth is the Anavya. Fifth is the Arthavatta. Sthula. Sthula means how the elements are looking, how water is looking, how we can see that things, we can hear it, meaning the sky element is there, we can feel the touch, it meaning the air element is there, we can see the things, it meaning the fire element is there, if we can get taste, it meaning the water element is there, if we can smell, it meaning अर्थ एलिमेंट इज देयर। पांचों विषयों का जो हमें ज्ञान मिलता है इंद्रियों से, सो अगर ज्ञान मिल रहा है, हमें वो चीजें दिखाई दे रही है, हमें पता चल रही है, इट मीनिंग दैट इज द स्थूल अवस्था। स्वरूप अवस्था उनके द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट्स, वर्थ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द अर्थ, we can make anything with the help of mud, what is the quality of the water, wetness, what is the quality of the fire, hotness, warmness, light, what is the quality of the air, movement, vibration, what is the quality of the sky, impeti, these are the under the swarupa avastha. Next is the sukshma. Sukshma meaning their forms, from how they are coming, from the tanmatras, shabda sparsha roopa rasa gandha, karan, what is the cause of that elements, that is the sukshma state. Anavya, because it is the part of the prakriti, it means, and prakriti is the trigunatmak, so it means all the elements has all the three qualities, sattvic, rajasic and the tamasic. So this understanding of the gunas, it is the anavya state. And we know the, what is the goal of the prakriti? Bhoga and apavarga. Bhoga and apavarga. Yesterday I told you, this is the prakriti. Because five elements also is a part of the prakriti. So theme, five elements also. Yesterday I gave example of the home. Owner death, then that home, the other will live in that home. Earth, vata, avastha, this state we called. So these are the five states of the five major elements. Panchabhuta. And if we able to, now here he is telling one by one, we have to meditate. Stula avastha, meditate on the stula avastha, meditate on the sarupa avastha, meditate on the sukshma avastha, meditate on the anavya avastha, meditate on the arthaveta avastha. If yogi, if anyone able to succeed, to meditate, to sayama on all these states, then what happen?
then he will able to, he will get the anima adi ashta siddhya and the kaya sampat. These benefits, these siddhi yogi attain. Anima adi, eight kinds of anima adi special siddhis. Anima, legima, mahima, garima, prapti, prakamme, vasito, isito. You all know very well the eight special siddhis. And kaya sampat. Kaya sampat meaning the physical wealth. And physical wealth defined in the next sutra. Next sutra it is here, kaya sampat. Many times these questions come in the exam. And examiner most of the time he confused with the word vajra. We understand if a very good practice in here, then body will be flexible. Then we select the flexible option there. Lachilapan option dal select ko karle. But here is the vajra. Vajra is not the flexible. Vajra is the strongest. Gathila sarir. So these four, the physical wealth yogi attain after perfecting the bhuta siddhi. Rupa meaning very beautiful shape. As like the Kamadev, beautiful structure, beautiful external and the internal beauty. Lavanya, lavanya meaning tej, aura, chamak. Bal is the strength, powerful, as like the pehlwan, wrestler. Vajra, strong body, tight, not flexible. Tight body, strong body, as like the vajra. These are the physical wealth which we attain by perfecting the bhutaja. Now, bhutaja has done, now indriyaja. Elements we covered. Now we discuss about the 11 senses. If we meditate on the senses, How we will meditate on the senses? We have to focus these five things. Grahan, Sarupa, Asmita, Anavya, and Arthavaito. If we one by one meditate on this grahan meaning, how the senses, they are getting the knowledge of the object. Kaise vishya ko grahan kar rahi hai? That is the grahan state. Sarupa. Sarupa meaning, what is the nature of the senses? What is the nature of the Jnana Indriya? What is the nature of the Karma Indriya? What is the nature of the Vendri mind? That is the Sarupa Avastha, Sarupa state. Asmita. Asmita, it is the cause. It is the, because we know that na. Here he did not define, mention the ahankara directly. Ahankara he is mentioning as in the word of asmita. The cause of the senses, that I told you that that sattvic and the rajasic, that they form the senses ahankara. So the ahankara, it is the cause of the senses. Meditate on it, asmita. Anavya, because it is also the part of the prakriti, and prakriti is the trigunatmak, it means all the gunas also here also. The same principle apply in every things who are present in this world, this triguna concept, triguna. Focusing anavya. Arthaveto, what is the role, what is the ultimate goal of the prakriti? Bhog and apavarga, same thing. So same goal of the senses also, bhog and apavarga. So if we one by one, we meditate on these five states, grahan, sarupa, asmita, navan, arthavato. Then what happened? Then we get the indriya jaya. Indriya jaya meaning all the senses will be under control. Indriya par vijaya prapta ho jayegi. And if we able to control,
concurred on the senses. Then what happened? Three special siddhis, very, very important on the exam point of view. It is manojvittam. Manojvittam meaning the movement of mind, as like the Naradji. Within a second, he was the Himalayan. Within a second, he was in Sri Lanka. मन की गति सबसे तेज गति होती है. तो दैट एज लाइक दैट स्पीड वी कैन गेट, योगी कैन अटेन इफ वी परफेक्टेड द सेंसेस. नेक्स्ट इज द विकर्ण भाव. विकर्ण भाव मीनिंग इट इज दैट जो कोई छोटी चीज है, दूर है या बीच व्यवधान है, ठीक है, वो सारी चीजें वो हमें दिख जाएगी, पता चल जाएगी. एक ही जगह बैठे बैठे योगी दूर की चीजों के बारे में सुन पाएगा, स्पर्श कर पाएगा एक जगह बैठे बैठे कि क्या हो रहा है दूर देश में. प्रधान ज्येष्ठ, प्रधान ज्येष्ठ मीनिंग, प्रधान मीनिंग प्रकृति, प्रकृति पर पूर्ण रूप से अधिकार, और पूरी पूरा संसार ही प्रकृति का बना हुआ है. इट मीनिंग पूरी जो पृथ्वी है, पूरे यूनिवर्स का स्वामी बन जाएगा. इसका मतलब ये है, जो भी वो चाहेगा यूनिवर्स में वही होएगा. नेक्स्ट इज द 49, सिर्फ पांच रह गए हैं, बस हो गया कंप्लीट. सत्य पुरुषान्यत ख्याति मात्र से, ख्याति मात्र सर्व भावाधिष्ठ तृत्वम सर्वज्ञ तृत्वम च. तो यहाँ पे बताई गई है कि कैसे सर्वज्ञ भाव, सर्वज्ञ भाव मीनिंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, कैसे हमें वो चीजें मिलेगी. तो बुद्धि सत्व, बुद्धि पुरुष, पुरुष परम सोल, बोथ आर द डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट नॉलेज ऑल्सो. ओके, सो सबीज समाधि वी अटेन, वी गेट द दिस नॉलेज ऑफ द रितंबरा प्रज्ञा. That's why sir bhava dhishta tritam sarvagya tritram. Because of that ritambara pragya, we get the knowledge of everything. Next is the, yes, now here he is telling in the previous sutra that yogi, he knows everything. He knows everything, but he is telling either he is not attaching with any kind of siddhi. वो किसी भी सिद्धि में उलझ नहीं रहा है. उसको पता है कि ये जो सिद्धियां मिली है ये बाधा है, सिद्धियों में नहीं पढ़ना, अपनी साधना करते रहो. तो उसने कहा कि तद वैराग्य भी, उन सिद्धियों में नहीं पड़ा, उसमें भी डिटैच हो गया. दोष बीज छेद, वो सारे के सारे दोष बीज, जो सारे संस्कार समाप्त हो जाएंगे तो केवल मिल जाएगा. इट इज ऑल्सो द वन वे ऑफ अटेनिंग द केवल. एंड नेक्स्ट ही इज एक्सप्लेनिंग दैट बाय चांस इफ वी आर नॉट डिटैचिंग, यहां पे बताया वैराग्य, अगर किसी को वैराग्य नहीं हुआ तो वो सिद्धियों में पड़ गया तो क्या होगा, क्योंकि अब उसकी योग साधना बहुत हाई लेवल पर है, तो क्या होगा, स्थानीय उप निमंत्रण संग समाया करण पुनर अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि वो हाई स्टेज पर चला गया है, तो क्या होंगे, द्वारपाल इंद्र देवता स्वर्ग से आएंगी, उर्वशी अलग अलग आएंगे उसको बहकाने के लिए, संगस में आओ हमारे साथ, हमारे मजे करो, हमारे साथ घूमो, स्वर्ग का आनंद लो. अगर हम उनके चक्कर में पड़ गए हैं, अब नारी का तो चक्कर ऐसा ही है, पड़ोगे तो भैया समाप्त ही है. पुनर अनिष्ट प्रसंगा, तो यहाँ पे सिर्फ नारी नहीं है, यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी चीजें जो हमें अपने रास्ते से भरमा दे. पुनर अनिष्ट, दोबारे से आपका नाश पक्का है. केवल नाश मतलब जो हमारा गोल था केवल्य को पाना, वो हम नहीं पाएंगे. जैसे एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है
इनका इनका नाम है विश्वामित्र। आपने विश्वामित्र जी की कहानी सुनी होगी। विश्वामित्र कैसे जो स्वर्ग की जो अप्सरा थी, उर्वशी, पता नहीं उर्वशी था या कोई और नाम था उसका, वो अपनी उसकी तपस्या को भंग कर दिया और वापिस उन्होंने अपना उनका स्तर गिर गया अपनी तपस्या से। आ गए चक्रों में, अब आ गए तो फिर साधना डाउन, तो असंग हो गया, फिर से डाउन हो गए, वापिस संप्रज्ञात समाधि से भी डाउन, वापिस विक्षिप्त स्टेट में आ गए, है ना। नाउ हियर ही इज टेलिंग इन द सूत्र नंबर 52, क्षण तत् क्रमयो संयमात विवेक जम ज्ञानम। कैसे भी मिलेगा, ये कह रहे हैं क्षण, क्षण मीनिंग हर सेकंड, सेकंड टू सेकंड क्या हो रहा है, क्या छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। हमने बताया था ना धर्म लक्षण अवस्था, छोटे छोटे बदलाव उनपे हद हो जाएगा। ये है तरीका हाउ वी कैन बिकम द आरती कैसे बने, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बने, उसका तरीका है। हर चीज सबको, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। यस सर, बाहर बादल आ गए, व्यवधान बन गए हैं, अब व्यवधान बन गया तो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आ गई तो टिक जाएंगे। देखो भैया अभी हमने भी पढ़ रहे थे, यहाँ पे तो ये डिस्टर्ब कर रही थी विश्वामित्र को, और हमें बादल डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी साधना को। तो केवल लेट मिलेगा, क्लास कंप्लीट कैसे हो गई है, तो वेक जन कैसे मिलेगा। हर चीज पे हम अच्छे से फोकस करेंगे, संयम करेंगे, अब हम बुद्धिशाली हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्धिमान को पैदाइशी थोड़ी पैदा होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। चाणक्य जी ऐसे थोड़े चाणक्य जी बन गए, उन्होंने हर क्षण तक हर छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, वो तभी वो इतने बुद्धिशाली थे। आप भी बन जाओगे अगर आप अच्छे से, हम लेकिन इग्नोर करते हैं, इसलिए हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट इज द लास्ट थर्ड, इट इज जाति लग देश नतुल्यो ततः प्रतिपत्ति। मतलब कि यहाँ पे ना बताए हैं, ये क्षण बहुत गहराई की चीजें बताई गई है। सामान्य रूप से हम किसी में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जाति के आधार पे, लक्षणों के आधार पे, और ह्यूमन मानव जाति, पक्षी जाति, पशु जाति, जाति के आधार पे लक्षण, अच्छा व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, क्या हुआ एक्टिविटी है, देश किस जगह का है, उसी के आधार पे ना हम चीजों को बताते हैं सामान्य रूप से। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जाति लक्षण देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण दो वस्तुएं एक जैसी लग रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम देख के बता नहीं सकते भैया, जाति भी हमें तो सेम लग रही है, लक्षण भी इनके तो सेम है, दोनों की दोनों आंवला है, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा ना। लेकिन हम बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम बताएंगे, नहीं भैया ये अलग प्रजाति का है आंवला, ये अलग प्रजाति का आंवला है। समझ पा रहे हो, यही तो है जाति, अलग अलग लक्षण देश। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो मतलब कि अच्छे से जब हम बहुत इंटेंस फोकस करेंगे,
तब हमें विवेक ज्ञान होगा, अच्छे से उस चीज की जानकारी होगी। नहीं तो दोनों बोलेंगे कि आंवला है, लेकिन ज्ञानी ज्ञानी बोलेगा भैया ये तो उत्तर भारत का आंवला है, ये दक्षिण भारत का आंवला है। तो वो जिसके अंदर बहुत अच्छा विवेकशाली व्यक्ति होगा वो वही ये चीज बोल पाएगा, है ना। तो क्योंकि उसको अच्छे से पता है, अच्छे से वो क्षण क्षण की नॉलेज है उसके पास, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को कैसे हो रही है। सॉरी, नेक्स्ट इज द तारकम सर्व विषयम। तारकम मीनिंग दैट द बेस्ट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। सर्व विषयम नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, हु नो एवरीथिंग एज लाइक द ब्रह्मा। सर्वथा विषयम, सो ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल एंगल्स ही नो। अक्रमम, बिना क्रम के जानने वाला। विवेकजनम ज्ञानम, वह विवेकजनित ज्ञान है। देखिए स्टार्टिंग में तो बताया है क्रम क्रम क्षण क्षण का में ध्यान देना है, उससे तो हम डेवलप करेंगे। एक बार हमने डेवलप कर लिया उसके बाद में तो फिर वो चीजें अपने आप आ जाएंगी ना, बार बार तो वो चीजें नहीं करने की जरूरत है। समझ रहे हो, अभी आपको बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है योग दर्शन को। एक बार आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, बाद में तो सिर्फ रिवीजन से आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी अपने आप ही। तो यहाँ पर वही चीज कही है, दोबारा से सारी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। अक्रमम, दोबारा से सेम क्रम को फॉलो करना जरूरी नहीं है। सिर्फ नोट्स को देखो और सारी चीजें दोबारा से, सारे एग्जाम्पल जो जो सर ने दिए थे याद आ जाएंगे आपको। तो सेम चीजें यहाँ पे वही की गई है। एक बार विवेक ज्ञान परफेक्ट हो गया, बाद में क्रम की जरूरत नहीं है, शुरू में है। और यहाँ पे फिर बता दिया सत्व पुरुष यो, दूसरा एक मेथड है केवल को पाने का। पीछे एक तो बताया ना, पहला एक मेथड तो वहां पे बताया 49-50 में था वो, कि पहले तो सिद्धियां मिली और सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो और साधना उससे विरक्ति पालो तो आपको केवल मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा मेथड इन्होंने बताया है केवल को पाने का, सत्व पुरुष यो, सत्व बुद्धि, पुरुष यो पुरुष शुद्धि साम्य, मेक देम प्योर कंप्लीटली। This by following this method also we can attain easily the kevalya, the liberation. With this sutra, congratulations, vibhuti pad completed. Hope you understand well of the vibhuti pad. कोई doubt हो आपके तो बताइए, फिर हम छोटा सा revision करेंगे। Left मत करना, revision भी जरूरी होता है, बने रहो class में। बताइए कोई doubt है आपका। देखिए आज का देखो क्या हमारा सौभाग्य है, तीनों की तीनों क्लास पूरे 2 घंटे में एग्जैक्ट टाइम लेके खत्म हुई है। सर 35 श्लोक एक्सप्लेन, 35 पुरुष ज्ञानम, दैट इज द पुरुष ज्ञानम ना। उसमें मैंने बताया था ना आपको, परमार्थ वाली पे आपको ध्यान देना है, परमार्थ प्रतीति, यही ना। यस सर। तो परमार्थ एक है, परमार्थ स्वार्थ, परमार्थ है वो चीज, ये हमारा नॉर्मल जो आपका और मेरा है। सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश सर। ओके, परमार्थ स्टेट इज द नॉर्मल स्टेट एज यू एंड मी जनरली वी यूज, बट स्वार्थ इज द हायर स्टेट ऑफ द नॉलेज where we can differentiate the difference between the buddhi and the purusha, and if we focus on that state, the swarth state, then we can easily attain the purusha. Now getting or not? Not swarth state means, swarth state means, देखो मैं दूसरा, आई एम गिविंग अंडरस्टैंडिंग। ओके परमार्थ, अंडरस्टैंड परमार्थ इज हिंदी लैंग्वेज,
Swarth is English language. Okay? You are good in English. You are not good in Hindi. First, I to explain this same sutra in Hindi, but it was out of your mind. You did not understand. But you are good in English. Now I am explaining you in English. That's why you are getting the knowledge of this sutra. So same thing. What is the actual knowledge? What is the actual medium? Actual medium is the swarth. और हिंदी वालों के लिए उल्टा है, उनके लिए परमार्थ इंग्लिश है और स्वार्थ हिंदी है. समझ रहे हो आप लोग? हाँ सर. हमारे चित्त की वो स्थिति, दैट स्टेट ऑफ माइंड, इन दैट स्टेट इजिली वी कैन डिफरेंशिएट द बुद्धि एंड द पुरुषा. इजिली वी कैन एबल टू that control the asmita, then we can get the self realization purusha jnana. Okay, yeah. Any other doubt? भैया इसका सिंपल सा मतलब ये है ना कि बुद्धि और पुरुष आपस में एक दूसरे से अलग है. जब हम ये जान जाएंगे तो फिर हमें पुरुष का ज्ञान हो जाएगा. Very good, excellent. Sir, one doubt I have. Means in 54 sutra you told me in if Viveka Jnana is perfect, then no need to means Krama. That what you told, I could not get it. Can you repeat it? Oh yeah. Okay, now you have taken the Yoga Darshan class. You have taken the coaching very systematic way. All the notes you made well from starting to till now. By chance you did not qualify, so next time no need to attend all the classes. Next time focus only your limitations, not everything. The same thing here, the kramam, no need to attend all the classes. Starting we need to attend, but after that no need, only focus akramam, no need to sequence. Getting? Okay sir, thank you sir. Okay, I understood. Welcome ji. Any other doubt? Anyone? Okay, let's revision if you have not. Okay. Yeah. Well, I have one silly doubt. Like we know like dharana is the continuous stage of dharana is dhyana, and like continuous stage of dhyana is samyama, right? Sorry, samadhi, right? Then then how we can combine these in samyama? Like how this is like levels only, like highest level is samadhi only. Dharana, the flow of concentration is distracting, not for a longer period. For example, now I am doing trataka. It is also one kind of dharana. 5 minutes, 10 minutes I am doing, but it is not dhyana. When the same trataka we perform for a longer time, the same attention without breaking, that is the dhyana. Okay? So once we reach a dhyana, so automatically we are conquering this dharana, right? Yes. इसको ना सर जी, इसमें ना दो एग्जांपल, जैसे कि जल है, जल को हम लोग ऐसे गिराते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, टूट के जो धारा है वो बह जाता है ना, और फिर जब हम क्या करेंगे, तेल को गिराते हैं तो वो उसका जो लय है वो बना रहता है. तो जो जल वाला है उसको हमने बोल सकते धारणा, और जो तेल वाला है उसको हमने बोल सकते ध्यान. लग रहा आपने मेरी पुरानी क्लास से सुनी हुई है संतोषी जी, है ना? Yes sir, I understood that धारणा ध्यान. लक्ष्मी ने बताई थी ये एग्जांपल, में बताई थी मेरा ही एग्जांपल है ये. Yes, yes. Even Usha ma'am also told same example. हाँ. Flowing, okay, it is in systematic way, no breaking, but water is breaking. When we zoom it now, when we see the elements of the H2O, they are not combining actually, they have the gap. So the gap is there, it meaning some few seconds we are able to concentrate, few we are not. That is the dharana. If you are fully controlled, fully focused, without distractions, that is the dhyana. And the same dhyana,
same flow of concentration for a longer and longer period, that we understand that is the samadhi. Okay. Okay. So this one, I understood dharana, dhyana, samadhi separately, but in samyama we will say samyama means like combining these three, dharana, dhyana, samadhi. Samadhi is already combining this dharana, dhyana, right? Where you focus? You have, for example, we are focusing on the heart. So starting directly, you can go to the samadhi. Starting, you will do dharana on the heart. Same concentration, longer period than dhyana. Same concentration for more longer, then it is the samadhi that we say. Are you getting? Okay. Now. Directly, okay. You cannot jump in the samadhi. Yes. Okay, let's quick revision of the today class. Who is responding on your camera? Darshan karaiye apne aur answer karna. Baki log message mein karenge answer, okay? Yeah. आप मुझे बताएंगे, मैं मुश्किल मुश्किल पूछता हूँ, यानी कि जो आपको कंफ्यूज करेंगे. परिणाम, who can explain the परिणाम? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एंड एकाग्र परिणाम. फर्स्ट, यस पद्मा जी आइए सामने, प्रकट हो जाइए. नाद देव नारद मुनि की तरह प्रकट हो जाइए और एक्सप्लेन कीजिए. यस नमस्ते सर, करेंगे सर. निरोध परिणाम सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे को अभी अच्छी तरीके से ये समझ में नहीं आया. और पढ़ने की जरूरत है. सरावनी मैडम, अरे क्या बात है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आगे हैं, हिंदी मीडियम के पीछे, कमाल कर दिया अरे इंग्लिश वालों ने तो. आइए सरावनी मैडम, थोड़े से बच्चे फिर भी कमाल कर रखा, थोड़े सोने. यस, सो हियर टू अंडरस्टैंड निरोध परिणाम धारणा परिणाम सॉरी निरोध परिणाम एंड एकाग्र परिणाम, फर्स्ट वी नीड टू नो दिस चित्त भूमि, राइट? So first four, like chitta, vichitta, mooda and ekagra relating to yuttana, yuttana samskaras, and niruddha stage is relating to nirodha parinama. So when we are reaching from ekagra state to niruddha state, it is called nirodha parinama. And when we are reaching from vichitta to ekagra is samadhi parinama. And when we are staying in particular ekagra parinama, that is called ekagra parinama, ekagra state. Excellent, you explained. Very good, Saravani madam. Okay, now asking to first Hindi medium, then English medium students. Okay, let's see who will win the match. Now giving chance to Hindi medium students. Nitu madam, please come forward and explain the Dharma Lakshan Avastha Parinam. Yes. Hindi medium students, again, I think fail. ओहो, चलो अगेन दूसरे को देते हैं, हिंदी मीडियम वाले हाथ उठाओ, चलो कौन जीतेगा देखते हैं. हिंदी मीडियम वाले रेज योर हैंड. प्रेरणा जी आइए, प्रेरणा जी संभालेंगे, इलाज रखेंगे हिंदी वालों की. आइए प्रेरणा जी, एक मिनट भैया. जी भैया, धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम. धर्म परिणाम तो जैसे कि हम पानी को लेते हैं, अगर तो पानी में, पानी का आगे अगर हम पानी से चाय बनाते हैं, तो पानी की जब चाय बनती है तो वो चाय जो बनेगी वो धर्म परिणाम है. जब अगर हम जब चाय बनी तो वो धर्म परिणाम है, उसका मतलब वो फ्यूचर आया उसका. और जब उसका, जब उस चाय बन रही थी, उस बीच में जो जो हुआ, मतलब चाय के पत्ती डाली तो उसका कलर चेंज हुआ, चीनी डाली उसका स्वाद चेंज हुआ, तो वो लक्षण परिणाम था कि बीच बीच में, उसके बीच में ये सब कुछ होना था. ये अवस्था है. अच्छा, ये अवस्था है. फिर लक्षण परिणाम है कि वो वापस से जैसे इवेपोरेट होगा तो पानी ऊपर बादल में जाएगा, थोड़ा बहुत जो चाय में से निकलता है, और वापस से बारिश बन के फिर पानी वापस आएगा, तो वो उसका
अवस्था परिणाम हो जाएगा, और यहाँ पे जो पानी है वो धर्मी है। यहाँ पे जो लक्षण होगा ना उस पानी से क्या क्या बन सकता है, उससे आइसक्रीम भी बन सकती है, कोल्ड कॉफी भी बन सकती है, चाय भी बन सकती है, वो बहुत सारे मैंने बताया था ना, 12वीं क्लास का बच्चा बहुत चीज, वो है लक्षण। हाँ, और अवस्था अवस्था फिर यही हुआ, हर पत्ती में जो चेंज हो रहे हैं, जो आपने बताया ना चाय पत्ती डाले से कलर बदल गया, दैट आर द अवस्था। ओके ओके, चलो अब इंग्लिश मीडियम वालों को मौका देते हैं, देखते हैं। आओ जी इंग्लिश मीडियम वाले, आप मुझे बताओ भूत जय सिद्धि, मुश्किल ही पूछूंगा आपसे तो मैं, आओ भूत जय सिद्धि बताओ, रेज योर हैंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। साक्षी जी कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन द भूत जय सिद्धि, आई थिंक सूत्र नंबर 45-46 इट इज, या आई थिंक नाउ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर गोइंग डाउन। Sir, am I audible? Others, please. Hello. अच्छा आपकी इशू है, यह नेटवर्क प्रॉब्लम है। Yes, Akshay जी। आपको यह नेटवर्क इशू। Others, please raise your hand. Other English medium students. Okay, sir. Sir. Can I try? I have also doubt. प्रकट हो जाए, प्रकट लिपालिक का मैम एंड एक्सप्लेन या। Yes, I will try, but I have also doubt. तो मैं अभी अपना कैमरा ऑन करूँ। सी जी, यू हैव नेटवर्क इशू, वी आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली। Your voice is breaking, not mine. Is it for everyone? Please tell. Other. Sakshi, your voice is breaking. Lipali, can we continue? I think network is it is. Okay, sir. So I'll try, sir. Means stula, means Buddha Jaya, there are aspects are stula, sorupa, suksma, annaya artha. Stula means how elements, means sound, touch, seen, means taste, that smell, that is called stula. And Sorupa Avastha means characters of elements, means water character is wet and fire character is heat, like that. And Sukshma, cause of the elements. Then Annaya means five elements, these five elements are the part of the Prakriti's three gunas, that is called Annaya. Then Artha Tattva means this purpose of Prakriti, what is, that is two Bhoga and Apavarga. So if one of the second above that, then it's very good. Now I'm asking question to Ramesh sir from Hindi medium student. Ramesh sir, can you explain any Siddhi? I know that for general interest you are taking the class. That's why easy, I'm asking to easy question to you. Any Vibhuti, can you explain? Ramesh sir? Not able to. Okay, the harder question to Hindi medium students. Indriya Jaya Siddhi, who can explain? Raise your hand. Who can explain? Indriya Jaya Siddhi. Come on, come on. Hindi. First Hindi. Now, all English medium are raging. Hindi students, they are back. Rajeshri or full are English medium. Hindi medium, koi bhi nahi hai. Priyanka ji, Santoshi ji, Umesh sir, Sweetie ji, Neetu ji, Kalyani ji, Priyanka ji, sab khali baithe ho. Padma ji ne haath uthaya. Chalo, haar maani. Kya ho ji, Padma ji? सर, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थ तत्व पर संयम करने से इंद्रजय की सिद्धि होती है। चलो आपने सूत्र बता दिया, डिटेल नहीं जाएंगे, टाइम कम है, वेरी गुड। चलिए जी, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, ऑलरेडी आपको बहुत हो गया है, कंटिन्यू। होप यू अंडरस्टैंड वेल, डिटेल मैंने अलग से क्लास ले रखी है, वहां पे 10-10 लेक्चर होंगे खाली विभूति पाद के, आज मैंने एक ही लेक्चर में करा दिया आपको सारा,
डिटेल में वहां पे पढ़िए, यहाँ पे एक सोर्ट था ये पास्ता, होप यू अंडरस्टैंड। ओके चलिए प्रेरणा जी से करते हैं। प्रेरणा जी आइए, प्रेरणा जी शांति पाठ कराइए। आज लावण्यता छा रही है आपके चेहरे पे, आज लावण्यता दिखाई दे रहा है भैया। वो मेरा बस वो जो मैंने कहा था वो एक बारी कर देना। हाँ हाँ नोट्स ना कर देंगे। हाँ और पीडीएफ कोई प्लीज ग्रुप में डाल देना। ओके ओके ओके।